नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। लगातार ये देखते हैं कि पता नहीं क्या होता है, हर मार्च में तबीयत खराब हो जाती है जी। दिसंबर आते आते पता नहीं पैसों का एक बार लॉस जरूर होता है। हर दो साल में देखा जी हमने कि एक्सीडेंट तो होता ही है, और ये बच्चा पता नहीं हमारा पेपरों से ठीक पहले बीमार ही पड़ता ही है। लड़की की शादी की बात करने जाओ तो पता नहीं घर वालों से लड़ाई शुरू हो जाती है। एक लगातार पैटर्न चल रहा है। बीसियों साल से हमारी जिंदगी एक जैसी चल रही है, पिछले पचासियों साल में साला लंबा चौड़ा बैंक अकाउंट नहीं बना, कोई लंबी चौड़ी तोप बिल्डिंग नहीं बनाई। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं यार, हमारी लाइफ में तो बदलता ही कुछ नहीं है। 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं और हर महीने 10 लाख की पेमेंट सिर्फ तनख्वाह के तौर पर कर देते हैं, जेब में कुछ आता ही नहीं है। बड़े अजीब अजीब सिस्टम है। ऐसा लगता है कि जिंदगी पता नहीं कौन चला रहा है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो मनुष्य के जीवन में कहा जाता है कि एक विशेष पैटर्न बन गया है, और ये पैटर्न जो है उसकी जिंदगी को चला रहा है। इस पैटर्न को कहते हैं लूप। लूप का अर्थ यह हुआ कि कोई एक लूप है, गोला है, जो लौट के वही आ जाता है। ये चला 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 घूम के लौट के फिर वहीं आ गया। हम फिर से यूं चले और ये यहीं लौट के फिर आ गए, फिर हम यहां से चले फिर लौट के, यहां आना ही पड़ता है। पता नहीं बार 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 हर 5 साल 10 साल में एक जैसी जिंदगी। सुबह फर्स्ट क्लास सोचा, 7 बजे फिर वो लूप स्टार्ट हो जाता है कि यार फोर्स करना पड़ता है हमें खुद को, दारू ना पिए, परेशानी ना करें। बच्चे की लाइफ में लूप बन जाता है, जैसे ही पढ़ाई की किताब उठाई 2 मिनट के लिए इंस्टा चला लूं, और अगले दिन से वो यंत्रवत एक सम्मोहन के तहत लगातार चलता है। काम कर रहे हैं फिर कर्जा लेना पड़ रहा है, फिर बार बार काम पेमेंट के लफड़े आ रहे हैं, ये लूप बन गया। लूप लगातार एक जैसी गृहस्थी चल रही है, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, बात बात पे झंझट हो रहा है, तबीयत खराब रहती है। ये बड़ा अजीबोगरीब सा रहस्यमयी बात है कि जीवन में लगातार पूरे जन्म के लिए एक जैसी स्थिति बननी शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है, ये क्या है? सर, ये बॉडी का ब्रेन तो जुड़ जाता है उससे, जो मैनिफेस्ट कर लेता है। बॉडी का ब्रेन भी जुड़ जाता है, वो भी मैनिफेस्ट कर लेता है, पर ये सारा खेल हमारे मुन्ना और टिंकू महाराज का है, मिलीजुली सरकार है। ये लूप ना टूटता ही नहीं तो हम दर दर की ठोकर खाते हैं, मजार पे जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, भगवान सुनता ही नहीं। यार भगवान तो कुछ करता ही नहीं यार, हम तो गुरुद्वारे जाके थक गए यार, मंदिर जा जाके थक गए यार, चलिए कर करके थक गए, सेटिंग ही नहीं होती। और कुछ ऐसे अजीब से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में नियम से, भैया हम तो हर महीने हरिद्वार जाते हैं, और जैसे ही लौट के आते हैं, आए बिजनेस में तरक्की, भाई कमाल हो गया भाई, जब भी हम ना चींटियों को आटा डालते हैं भाई, उसके बाद तो हमारे पेमेंट आ जाती है भाई, यार कमाल है, पॉजिटिव लूप क्रिएट कर रखा है। बड़ी अजीब सी बात है, धन आया, आते ही कुछ खास धन की रकम इसको दे दी, उसको दे दी। भाई मैंने तो देखा यार, हम बेटियों की जब सेवा करते हैं ना, किसी की भी बच्ची हो, भाई खाना खिलाना भाई करना है यार, 15 दिन के बाद हमें अच्छी खबर आएगी। कमाल है यार, अजीब सा पॉजिटिव लूप बना हुआ है। भाई साहब अपने तो ना बस पितरों की कृपा लेते हैं और हर साल में एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है हमारी। कैसा कैसा कहानी है, ऐसा ही लोग पॉजिटिव लूप भी बना देते हैं। उनकी अपने आप बिल्डिंग बन रही है, अपने आप नोट आ रहे हैं, अपने आप बिजनेस चल रहा है, हीलिंग हो रही है, प्रमोशन हो रही है, और करते क्या है वो? सब बाबा जी की कृपा, भगवान की दया यार, पता नहीं यार क्या है, उनको भी नहीं पता। ये जो लूप है ये हमारी जिंदगी में लगातार हमारे जीवन को प्लस और माइनस किए चलता रहता है। बहुत रेयर लोग हैं जो ये जानते हैं कि इस लूप को फायदे की स्थिति में कैसे बनाया जाए, लगातार प्लस वाला लूप। हमारी प्यारी सुंदर सी मोना जीवन जी रही है, अपना घर गृहस्थी चला रही है बड़ा प्रेम से। क्या सुख है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक काम वाली ने एक दिन कुछ गड़बड़ कर दिया। बस गुस्सा आया काम वाली पे तो गुस्सा आना बनता ही है, हानि तो इसने ऐसा और वैसा क्यों कर दिया भाई। अब ये काम वाली के ऊपर गुस्सा हो गई, गुस्सा, तूने ऐसे काम नहीं किया, तूने वैसे काम नहीं किया, तेरे को मना किया था मैंने, तूने गंदे हाथ लगा दिए और तू मानती नहीं है कुछ भी। अब ये गुस्सा आ गया, मोना को गुस्सा आया, हल्ला मच रहा है, अंदर से सासू मां निकल के आ गई। सासू मां ने बहुत हल्ला मचा, क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम, जब देखो काम वाली ऊपर लड़ती रहती है, फलाना करती रहती है, तेरे को कोई काम नहीं है,
है, तेरे घर में था ऐसा, तेरी माँ ने सिखाया, एंड सो ऑन, जैसा प्रचलित है, ताना नंबर वन, ताना नंबर टू, ताना नाना नाना ना, मालगुडी डेज। अब ये गुस्सा आ गया, सास के सामने फिर झगड़ा हो गया, ये कह रही मुझे गुस्सा नहीं करना, मम्मी जी को समझ तो आ रही, मैं क्या बोलूं, सास कह रही यार मेरे भजन चल रहे हैं, तुम बेकार में हल्ला मचा रहे हो, धीरे नहीं बोल सकते, लड़ाई हो। गुस्सा नंबर वन था ये, अब गुस्सा नंबर टू आ गया, सास के साथ झगड़ा हो गया, काम वाली कह रही है साला ये चैन नहीं है घर में, वो नहीं है, दूसरा घर मिल गया तो मैं छोड़ दूं, या तो मैं पहले ही कम पैसों पे काम कर रही हूं, खूब बढ़िया झगड़ा आ गया, अच्छा खासा उपद्रव मच गया। अब ये मोना जाती है अपने कमरे में, बड़ी परेशान है, उदास है, क्या यार एक गुस्सा कर दिया, दूसरा इनसे हो गया, गुस्सा रहा है और खुद पे गुस्सा रहा है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती। गुस्सा नंबर तीन, इसको ये गुस्सा आ गया कि अब गुस्सा भी नहीं करना चाहती मैं, बड़ी समस्या हो गई। हस्बैंड आए शाम को, ये कर दिया वो कर दिया, भिन्न भिन्न मम्मी के पास गए, मम्मी ने कह दिया तू तो लाया ऐसी भोग फलाना ठिमकाना, एंड सो ऑन, हमारी बताई हुई करता तो हम पता नहीं आज राज राज रहे होते, एंड सो ऑन, झगड़ा हो गया, वो आके बीबी पे चिल्लाया, कलेश हो गया घर में पूरा, झपड़ फिचड़ फुचड़ झंझटबाजी शुरू हो गई है। अब ये नफरत करने, लड़ाई हुई है इससे, लेकिन इसको नफरत हो जाती है इस सास से, तंग कर दिया इसने, झगड़ा कर दिया इसकी वजह से हुई है, हस्बैंड से वो झगड़ा नफरत क्या करे, उसको जिंदगी काटनी है, चल कोई नहीं, हस्बैंड वाइफ वैसे भी एक दूसरे को जल्दी माफ कर देते हैं क्योंकि साथ जीना है, बड़ी डिपेंडेंसी होती है। अच्छा सास को झंझट हो गया बेटे से, देखो जब मर्जी इसकी साइड लेता है, कोई तमीज नहीं है, काम वाली को झगड़ा झंझट हो गया नफरत इससे, मम्मी जी मेरी साइड ले रही थी, ये डांटती है, बढ़िया माहौल, अच्छा धासू सा, अच्छी क्वालिटी का खराब हो गया, एकदम कबाड़ा हो गया। अब ये गुस्से में भिन भिनाई परेशान, लूप नंबर वन, ये लूप बन गया। अब मोना ने माइंडसेट से ऐसी स्थिति देखी कि झगड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और झगड़े में गुस्सा हो रहा है, गुस्से पे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करना ये भी गुस्सा आ रहा है, खुद से गुस्सा है, कौन किससे गुस्सा है, बात खत्म हो गई, पूरे माहौल में बदबू फैल गई है, खराब हो गया है जी। अब 15 दिन बीत गए, 15 दिन के बाद मोना की तबीयत थोड़ी खराब हुई, ऑटोमेटिकली उस खराब तबीयत की वजह से ठंड लगी या जो भी हुआ, घुटनों में दर्द हो गया, चोट लगी, हाथों में दर्द हो गया, सोया नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, धीरे धीरे उसे अपने आप पर गुस्सा आना शुरू हो गया। जब उसे अपने आप पर गुस्सा आया, चमत्कार, 15 दिन पहले एक लूप पड़ा था स्लीप मोड में, उसको यूं ही गुस्सा आया अपने में, लेकिन गुस्सा ऑन होते ही उसी दिन उसका एक दो तीनों से फिर से झगड़ा हुआ, और उसे समझ नहीं आ गई ये हुआ क्यों है, आज तो कोई बात भी नहीं हुई थी भाई। हम अक्सर गुस्सा करते हैं और ऐसा कहते हैं, वैसे यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैंने चिल्लाया क्यों यार, मुझे समझ नहीं आया, जरूरत नहीं थी। नो, आपका लूप बना हुआ है, आप अब गुस्से में आए हो, आज के दिन किसी भी कारण से आए हो, आप बाहर से गुस्से से आए हो, ऑफिस से गुस्से से आइए मोना, लेकिन उस दिन उसके घर की ये वाइब्रेशंस ऑन होंगी और मोना का झगड़ा इन तीनों से होगा ही, क्यों होगा पता नहीं। हस्बैंड कहेगा झल्लाई हुई है, तो पता नहीं क्यों झल्लाई, मुंह बना रखा है, फिर वो माँ कहेगी पीछे से कुछ देख टोना टोटका, और काम वाली कहेगी हेलो मैं तो छुट्टी कर रही हूं अगले दिन। ये टोटके हैं, ये अपने आप ऐसा टोना लगेगा, इसे लूप कहते हैं, ये लूप ऑन हो गया। अब हर 20 दिन 25 दिन के बाद जब जब ये क्रोध में क्लेश में आएगी, इसे पता ही नहीं है झगड़े हो रहे हैं, 6 महीने के बाद नए लूप क्रिएट हो गए, हस्बैंड से झगड़ा होता रहता है, बेटा तू ऐसी बहू लेकर ही क्यों आया, काम वाली साली घर में टिकनी बंद हो गई है, पता नहीं क्या हो गया यार, जब देखो झगड़ा होता है। जब तक ये लूप ब्रेक नहीं होगा आपके यहां काम वाली नहीं टिकेगी, पति पत्नी के झगड़े खत्म नहीं होंगे, सास बहू में प्यार ही नहीं होगा, और मोना की तबीयत खराब होगी ही। और मोना 10 साल बाद कहती है मुझे साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, डॉक्टरों की दवाई नहीं लगती मुझे, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जब जब मोना को ये क्लेश क्रोध आता है, ये लूप ऑन होता है, और इस लूप के साथ नए लूप ऑन हो जाते हैं जो घर में झंझटबाजी करते हैं, फिर बरकत कम होती है, फिर नेगेटिव कमांड्स चली जाती हैं, पैसा नहीं बढ़ता, एक दूसरे को पति पत्नी बद्दुआएं दे बैठते हैं, नई नई कमांड्स ऑन हो गई हैं। अब जीवन में क्या हो रहा है, समय अच्छा हो गया, ठीक चल रहा है, लेकिन क्लेश। अब जितनी देर मोना ने यह झंझटबाजी पाई, तो इसके शरीर के अंदर, ये शरीर हो गया हमारा, इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, यहां पर हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड है, ये हमारा रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, एक तरफ इदा नाड़ी है, एक तरफ पिंगला नाड़ी है, ये हमारा राइट ब्रेन है, ये लेफ्ट ब्रेन है। जितनी देर ये टेंशन रही है मोना को, उतनी देर में इसका फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन है, लड़ू या भाग जाऊं, क्या करूं, गुस्सा नहीं करना चाहती, टेंशन नहीं करना चाहती, काम वाली को बोलना नहीं,
बहुत चीजें, पर ये लूप ऑन हुआ जिस समय इसका लूप ऑन हुआ था पहली बार, लूप नंबर वन के टाइम, उस समय इसका शरीर ना परेशान हो गया था बुरी तरह थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब ये बार बार हैमरिंग हो रही है हर 10 दिन 5 दिन 15 दिन में, और धीरे धीरे मोना के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, 5 साल में सेंस ऑफ ह्यूमर डेड हो गया, और मोना का जो हंसता खेलता चेहरा था वो सड़िया लड़ियल बन गया। उतनी उतनी देर के लिए बार बार बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन होता है, ये सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और इसके कारण से इसकी किडनी पे लोड पड़ता है, लिवर पे लोड पड़ता है, स्टमक पे लोड पड़ता है, ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि शरीर की एक नाड़ी होती है जो ऐसे आंखें खुलवाती है, दूसरी तरफ की नाड़ी होती है जो आंखों को रिलैक्स कराती है। अगर हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड ज्यादा देर ऑन रहता है, परेशानी स्ट्रेस, तो रात को नींद नहीं आती, ये रिलैक्स है, हमें भूख नहीं लगती, हमारे को शरीर हील और रिपेयर नहीं होता। अब मोना का तबियत खराब हो गई, मोना डॉक्टर के पास चली गई, बहुत परेशान है यार, दर्द नहीं खत्म हो रही डॉक्टर साहब, इलाज समझ ही नहीं आ रहा, डॉक्टर पेन किलर ठोक रहा है, 10 साल हो गए गोलियां खा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है, एक्चुअली उसका ये सिस्टम खराब हो गया। अब मोना डॉक्टर के पास गई, बाबा जी के पास गई, 10 दिन के अंदर अंदर हीलिंग होनी शुरू हो गई, क्योंकि दवाइयां लग गई थोड़ी सी, थोड़ा सा उसको कहा यार जगह ही छोड़ दे, घर से ही निकल जा, तू बाहर ही चली जा, कहीं मौसी क्या चली गई। मोना की बॉडी ने धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर दिया। मोना ने कहा यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद अच्छा लग रहा है, हैप्पी हॉर्मोन्स, हैप्पी ब्रेन बड़ी रेयर मिला, पता नहीं यार मौसी जी के यहाँ जाके मैं हील हो गई और सत्संग में गए, बड़ा अच्छा लगा यार थोड़ी देर के लिए, नया लूप बनना शुरू हो गया। ब्रेन ने कहा भाई कितना बीमार पड़े थे मैं, कितनी दिक्कत हुई थी यार, अब तो ठीक हुआ यार, जो हार्मोन्स दिमाग से हट गए थे खुशी के शांति के खिलखिलाती मोना के, वो हार्मोन दोबारा बनने शुरू हो गए। बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा ब्रेन ने कहा यार ये हार्मोन मुझे बहुत टाइम बाद मिले हैं, ये खुशी मुझे बहुत टाइम बाद मिली है, पर ये खुशी ऑन दोबारा कैसे मिलेगी मुझे। तो ब्रेन एक लूप नंबर 3 बनाती है जो लूप नंबर 1 से जुड़ता है। भैया दुखी होने के बाद सुख मिला था, तो आपके जीवन में अब आपके ब्रेन ने दुख में सुख ढूंढने का लूप बनाना शुरू कर देना है कि भैया ये हार्मोन तो बनेंगे तब जब दुख आएगा। तो अब मोना से अपने आप वो टेंशन करवाएगा, मोना को बीमार डलवाएगा, बीमार डलने के बाद फिर ठीक होगी मोना थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ठीक होगी ब्रेन कहेगा ना ना पूरा ठीक तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि खुश तो रहते ही नहीं। हम मनुष्यों की बहुत ज्यादा बड़ी कमी है, हमने कसम खा रखी है खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें एक कांटा भी मिल गया ना तो मर मिटेंगे उसके लिए। जब 100 फूल मिले तो भी एक कांटा देख करके हम कबाड़ा कर देते हैं, अच्छी खासी लड़की है उसमें एक कमी, अच्छा खासा लड़का उसमें एक कमी, बस नर्क हो गया जी। ऐसे ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। सोफा देखा था उनके घर में कितना गंदा था, हाय हाय, इसके बाप के दांत देखे थे लड़के के कैसे थे, अबे शादी किससे करनी है, लड़के के बाप के दांत, चाय पीने की तमीज नहीं थी, सुटुड़ करके पी रहा था, बताओ प्लेट से ऐसे पीते हैं कोई। हमें दुख ढूंढने का बड़ा मजा है। आप मजे की बात देखें, आपका शरीर ठीक ठाक चल रहा है, ओके है, पर आदतन हम दुखी रहते हैं क्योंकि लूप बना हुआ है हमारी खोपड़ी में। यार खुशी के हार्मोन कैसे बनेंगे यार, ऐसे लोग होते हैं कहते हैं समझ नहीं आ रहा यार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा मतलब ब्रेन कह रहा भाई हैप्पी हार्मोन नहीं है तो क्या करूं, थोड़ा दुखी हो लूं यार। दुखी होने के बाद ना वो डिप होएगा नीचे हार्मोन, फिर दोबारा वो हार्मोन जब बनेगा ना क्या लुत्फ आएगा भाई, मजा आ जाएगा यार। तो पहले दुखी होते हैं यार अपन लोग। अब हमारे फर्स्ट क्लास जिंदगी चल रही है, अब हमारे ना दांत में दर्द हो गया, आई बहुत बुरा है, बहुत दुखी है, बर्बाद जिंदगी, नरक है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, 2 दिन हो गए रूट कनाल करा लिया, 4 इंजेक्शन ठुक गए, स्टेरॉयड ले लिए, 10 दिन की गोली दवा दारू के, दारू नहीं सॉरी 10 दिन की दवा शवा कर करा के आराम आ गया भाई, शुक्र है, क्या सुख मिला है, क्या सुख मिला है आपको, आप उस सुख की कल्पना नहीं कर सकते जो 10वें दिन में दांत की सारी सेटिंग करके कचौड़ी खाने का मजा आया, कचौड़ी आ गई भी, कितना मजा आया। अब वो जो सुख मिला है जब आपके दांत में कुछ नहीं था तब वो नहीं था। हम दुख क्यों बुलाते हैं, दुख में सुख ढूंढने की बात, हम लूप क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आपके दांत में कोई दर्द नहीं है आप सुखी नहीं हो, यानी कि आपने ये प्रोग्रामिंग कर ली है जीवन में भैया पहले तो दुखी होंगे तभी सुखी होंगे। ये शब्द कहा गया शुक्राना, मैं बेटे से दुखी हूं, मैं बहू से दुखी हूं, मैं चाचा से दुखी हूं, मैं अपने खसम से पति से खुद पति करेंगे खसम, पति से दुखी हूं, अपनी पत्नी से दुखी हूं। अरे भाई वो मर जाएंगे तो क्या करोगे, अगर वो मर गया पति मर गई पत्नी
क्या करोगे तब पता चलेगा है जो मिल रहा था बहुत है यार वो बेकार ही रो रहे हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है, हमारा ब्रेन ये शैतानी करता है कि दांत में कोई दर्द नहीं है लेकिन हम सुखी नहीं है, दांत में दर्द होगा फिर 10 दिन के बाद सेटिंग होगी फिर हम कहेंगे यार बड़ा सुख मिला। चालाकी देखिए कि हमारा ब्रेन लूप क्रिएट कर रहा है कि अगली बार फिर से परेशान करूंगा। जब जब आप ये कहने लगे मजा नहीं आ रहा लाइफ में कुछ, पीछे ब्रेन में खट 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 लूप ढूंढता ब्रेन हार्मोन के लिए, भैया करना क्या है, करना क्या भैया, हाँ अभी जाके भैया किसी कमजोर से आदमी से लड़के आएंगे अहंकार उठाएंगे सारा मजा आ जाएगा, तो हम बाहर जाके कुत्तों का लात मार देते हैं, किसी के साथ भी यूं ही लड़ मर लेते हैं, चिल्ला रहे हैं भौंक रहे हैं, क्योंकि ब्रेन ये करवा रहा है और हमें मजा आ रहा है तो हम मजे को ढूंढ रहे हैं। यही हमारे जीवन में दुख में सुख ढूंढना होता है, हम लगातार कई लूप क्रिएट करते हैं और ब्रेन प्रोग्रामिंग करता है हमारी, ये इसकी चालाकी को जो इसने समझ लिया वो पूरी जिंदगी लूप तोड़ सकता है और बढ़िया वाले लूप बना सकता है। मांगे राम प्यारा बेबी नया नया MBA करके आया है, मैं भी आया अभी अभी पहुंचा है, भगवान जॉब लगा दे थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, अदनान सामी की करा दी मेरी भी करा दे, अब भगवान सुन नहीं रहा है बड़ा परेशान है, प्रार्थना पूजा बताशे बांट दिए, गाय की सेवा भी कर दी, पिताजी के और दादाजी के पैर भी छूले जो कभी छुए नहीं थे, अब ब्रेन की एक खास प्रोग्रामिंग हो रही है कि ऐसी स्थिति में हूं मैं पहुंच गया हूं जॉब लगवा दे कैसे भी कुछ भी हो जाए, और उसकी जॉब लग गई 15 दिन रोने के बाद, ये यिप्पी यिप्पी जॉब, अब उसको जॉब मिल गई जी 15,000 रुपए महीने की और ये बहुत खुश है। ब्रेन कह रहा है यार क्या बात है भाई मजा आ गया है, तेरा भाई आज 15,000 कमा था भाई, 2 बंदों के साथ काम करता 40 लोग हैं ऑफिस में, तेरे भाई की ना बड़ी औकात है भाई, भाई अपन तो मतलब बाइक पे जाते हैं भाई हैं और बड़ा मजा आ रहा है यार, देखियो मैं इतनी मेहनत करूंगा कंपनी का CEO मुझे गोद ले लेगा थोड़े दिनों में, और जॉब चल रही है। अब धीरे धीरे उसका काम चला, प्रमोशन हुई, बेटरमेंट हुई, 15 के 20 कमा लिए उसने। 2 साल बीतने के बाद मांगेराम को महसूस होने लगा मुझ में तो बहुत हुनर है, ये तो बेवकूफ है, सालों को कंपनी चलानी नहीं आती और मैं तो कंपनी को 1 करोड़ का फायदा करा रहा हूँ, साले मुझे तो देते ही कुछ नहीं है, आई डिजर्व 40,000, ये तो 20,000 दे रहे हैं, मेरे को तो भाई साहब कम से कम 25% हाइक तो होना चाहिए, पिछले साल प्रमोशन नहीं हुई पर मुझे हाइक मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा यार, अब देगा कौन, परमात्मा देगा, परमात्मा कहां से देगा, तब देगा जब आपके अंदर चल रहा है, आपके अंदर क्या चलेगा, जो ब्रेन चला रहा है। अब आपको जो प्रमोशन चाहिए, मांगेराम ने 2 साल कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत कर डाली, प्रमोशन ना हो रही, मांगेराम का मन फट गया, दुखी हो गया, दुख में सुख, दुख से ही तो सुख आएगा, दुखी क्योंकि जो जॉब मिल रही थी वो दुखी करने लगी, पहले तो उसके लिए तड़प रहा था, दांत में जब दर्द नहीं था तो सुखी नहीं थे पता ही नहीं था, लेकिन दर्द होने के बाद पता चला कितना सुख है, इसीलिए हमारे जीवन भर कर्जे नहीं हटते, घर नहीं बनते, बच्चों से सुख नहीं मिलता और बरकत नहीं आती, क्योंकि हमें खुश होना ही नहीं है, सड़े हुए, बीमारी ठीक ही नहीं होती, हीलिंग ही नहीं होती, ये दुखी है। अब इसका ब्रेन कहता भाई इसको जॉब लगवानी थी, पर जॉब लगी कब थी इसकी, जॉब तब लगी थी जब ना 15 दिन ये हताश था, हताशा थी इसमें, हारा हुआ, अभी 2 साल इसने मेहनत करी है, ये जीता हुआ है, ये किसी के बाप की नहीं सुनता, ये कहता है साला मैं जानता हूं मैं कितना प्रॉफिट करा रहा हूं कंपनी को, पर इसकी जॉब लगी कब थी, जब हारा हुआ था, उसके बाद ये थैंकफुल था तो 15 से 20 हुए, ब्रेन ढूंढ रहा है, परमात्मा कह रहा है यार तुम जिस बंदे की प्रमोशन होनी थी या जिसको मिलना था वो तो बंदा ही नहीं है कहीं, ये तो सड़ियल अड़ियल क्रोधी क्लेशी बंदा है, ये तो साला रोए पिटे जा रहा है, हताश करो पहले। तो दुखी होने के बाद मांगेराम 1 महीने के बाद नई जॉब ढूंढने बैठ गया, 1 महीने के बाद, अब जब ये 1-2 साल बाद की बात हो रही है, 2 साल बाद 1 महीना बीत के जिस दिन मांगेराम इस लेवल पे आ गया, वापिस उसकी खोपड़ी लूप देखें आप, लूप ब्रेन कह रहा है इसी लूप पे दूंगा ना नई जॉब, वो बन तो सही पर वो 2 साल से गालियां बके जा रहा है, 1 महीना तो इसने खून के आंसू रुला दी खुद को, घर में लड़ा, क्लेश किए, कुत्तेखानी करी, पागलपन किया, पता नहीं कौन कौन से व्यक्ति को बुरा भला बोल दिया, फिर थक गया, थकने के बाद वही मांगेराम 2 साल पुराना ऑन हो गया और बोला यार पिताजी
पैर छूने आपके, दादाजी अब तो आप फोटो में हो, आपको प्रणाम करता हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरे को नींद मिल रही, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूंगा, कैसे चलेगा, सेम मांगेराम ऑन लूप, क्लच ऑन, मांगेराम को 25% हाइक की जॉब मिल गई, कमाल हो गया। ये लूप ऑन करना आता होता तो मजे मजे में कर लेता, लेकिन ये आता नहीं, क्यों? क्योंकि अहंकार किसी की सुनता ही नहीं। हम मनुष्य जीवन में किसी के बाप की नहीं सुनते, जो बोलता है कोई आधी सुनते हैं, एक चौथाई समझते हैं, और सोचने का काम क्या करते हैं, शून्य। प्रतिक्रिया कितनी करते हैं, दोगुनी। सुधार कहां से आएगा? ये शब्द बना हुआ है गुरु, गुरु शब्द का कोई ऐसा नहीं गुरु घंटाल, गुरु मतलब अंधेरे से उजाले में लाना। जैसे अब आपके लिए बात हो रही है, आप कहोगे अबे यार वाकई में है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, शाम 7 बजे बोतल खुल जाती है, जब भी यार मैं घर जाता हूं ना ऐसे ऐसे करके, यार बीवी से लड़ाई होती है भाई, मैंने जब जब एक दोस्त को बहुत ज्यादा भाइयों से बढ़ के गले लगाया, साला धोखा मिला मुझे, ना भाई मैं गारंटी ना दूंगा किसी की, जब जब मैं साइन करूं ऐसे ही होता है, यार मैं ज्यादा फालतू बात करता हूं ना बीवी से लड़ाई हो जाती है। ये लूप, आपको अपने अंदर के लूप रीड करने आ जाएंगे, आप स्वयं गुरु बन जाओगे। पॉइंट क्या है, इस अंधकार से उजाले में आना है। अंधकार किसे है? अहंकार को। अहंकार क्या कहता है? पता है मुझे, सब पता है, सब पता है मुझे। आप गुरु किसे कहते हो? जिसे आपसे ज्यादा पता है। लेकिन तुझे साले हमसे ज्यादा पता है, तेरी तो हम बिल्कुल ना सुनेंगे। ये अंदर का अहंकार कहता है, हम अपना लूप नहीं तोड़ेंगे। हमारा ब्रेन कहता है हेलो एडिक्शन है, आदत पड़ी हुई है मुझे, मैंने चेंज नहीं करना। इसे ध्यान से समझ लीजिए, छोटी उम्र में बच्चा है, चलना नहीं आता, कैसे चलेगा? बॉडी ट्रेंड होगी। नहाते कैसे हैं अब हम बड़े होके, कहां साबुन लगा, सब पता है बॉडी को, दिमाग कहीं और है, एक लूप बना दिया है बॉडी ने, और उस लूप के तहत हम कपड़े पहन रहे, बटन लग रहे, जूते पहन रहे, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, लूप बना दिया है बॉडी ने। भैया टीवी देखते हुए बंदा ना खाना खाता है, अब वो खाना खाते हो यहां नहीं जाता गस्सा, चाय डुलती नहीं है, बॉडी ने इतना गजब का लूप ट्रेंड कर दिया है कि खाते पीते गप्पे मारते, दारू भी चल रही है, पानी भी चल रहा है, खाना भी खा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, पार्टी भी एंजॉय कर रहे हैं। लूप, ये लूप बॉडी को बनाने पड़ते हैं ताकि हम अपने जीवन में कम से कम ब्रेन पे प्रेशर डालें और कुछ नया सीखें। इस ब्रेन का इस्तेमाल इसलिए करना है कि जीवन में कुछ नवीन करना है, लेकिन हम नवीन नहीं करते, हम आलसी होके लूप के हवाले छोड़ देते हैं कि भैया एक सर्वेंट रख लो यार, अच्छा रख लिया, फिर उसे ट्रेंड किया भाई 6 महीने अच्छी तरह, भयंकर ट्रेनिंग कर दी, इतना शानदार हो गया वो कि फिर अब हमने उस पर सब छोड़ दिया, फिर वही पोटली बना के हमारा सारा माल मत्ता लेके निकल लेगा। हम ये लूप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए कि हमने मेहनत करने वाले व्यक्ति ने एक बंदा रखा था, फर्स्ट क्लास काम कर रहा था, अब हम आलसी वाले हो गए, वो लूप टूट गया। जौनसे वाले व्यक्ति को अच्छा वर्कर मिलना था, वो वाला व्यक्ति बदल चुका है, इसलिए उसके जीवन में सफलता नहीं होगी। आपके जीवन के अंदर आपका ब्रेन लगातार लूप क्रिएट करे चले जा रहा है, और वो लगातार ये इंश्योर कर रहा है कि अब आप कुछ मत करो, मैं ही कर दूंगा भैया सब कुछ, आपको धेले का भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ये जानना है कि यार मेरे साथ प्रमोशन होती कब है, मेरी पहली बार प्रमोशन कब हुई थी, मैं कैसा था, मेरे को प्रेम मिला था कैसा था, यार कर्जा हुआ है मेरे ऊपर भाई, क्या गड़बड़ की होगी यार, और मैं कर्जे के लूप में फंसा ही हुआ हूं, साली सेहत ठीक ही नहीं हो रही, कुछ ऐसा जरूर है जिसके चक्रव्यूह में मेरा ब्रेन मुझे जिंदगी को फंसाए बैठा है, और मेरी जिंदगी सालों साल से एक जैसी है, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा खाना नहीं पचता, कुछ गड़बड़ है, गुरु ढूंढ लो, क्योंकि आपकी खोपड़ी तो लूप में जा चुकी है, आपका ब्रेन तो प्रोग्राम्ड हो चुका है कि ये तो ऐसे ही चलेगा, और गुरु तभी काम आएगा जब अपना अहंकार चरणों में डाल के चलोगे, क्योंकि अहंकार सीखने नहीं देगा। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो याद रखिए, सफल व्यक्ति का एक ही सिर्फ एक ही उसूल होता है, नो रेजिस्टेंस। आप अपने जीवन में जितनी चीजों के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहोगे उतना ज्यादा उठते जाओगे, क्योंकि आप ना नहीं करते, आप कहते हाँ ये भी करके देख लेते हैं, हाँ ये भी देख लेते हैं, ठीक हो गया, आप बढ़ते चले जाओगे बढ़ते। एलन मस्क जैसा पागल आदमी मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की बात कर रहा है, कहां से आ रहा है बेचारे, क्योंकि वो नो ही नहीं करता। आपको ग्रो करना है, कीप प्लेइंग, खेलते रहो, नहीं तो लूप में फंस जाओगे।
भैया अपनी तो दुकान है, आते जाते हैं, सही धंधा पानी चल रहा है, उसी दुकान में धंधा पानी चलाते पूरे जन्म सही बीत जाएगा, एड ऑन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एक लूप के तहत चल रहे हैं। कुछ टाइम बाद तो काम ऐसे चल रहा है, हम चला ही नहीं रहे, पता नहीं कैसे चल रहा है। फिर लोग बोलते हैं भाई परमात्मा की कृपा है यार, वो बुजुर्गों का आशीर्वाद है। नहीं, लूप बना है आपका, आपने अच्छा लूप बना दिया, बच गए हो। किसकी कृपा से बनेगा? कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी खोपड़ी को तोड़ के सेट किया है। अभी अभी ये बच्ची आई, जब पेपर देती थी खराब होते थे, 3 साल से आ रही है। अभी पेपर फेल नहीं होते क्योंकि इसका लूप टूट गया कि मैं पेपर देती हूँ मेरे तो खराब हो जाते हैं। अब ये पेपर ही नहीं दे रही, पता नहीं कौन दे रहा, ये क्यों चाहिए हमें। यहाँ कर्मों का फल का भी 12% है, वो भी कहाँ हमें। हाँ, 12 तो आएगा जी, 12 ही तो खेल है, सारा खेल ही 12 का अभी करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर ये हमारी खोपड़ी है, ये हमारा है कॉन्शियस ब्रेन, ये हमारा सबकॉन्शियस, और ये हमारा रेप्टाइल ब्रेन अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस ब्रेन का मतलब है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके लिए। यहां से सांस चलता है, यहीं से हमारे, ये हमारा स्टेम होती है जो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, ऐसे बॉडी होती है हमारी। या नाक आ गई, या आंख बन गई, कान हो गया इधर, और ये ऐसे नीचे। अगर किसी के पिछले हिस्से पे सिर पे चोट लगती है ना, तो पैरालिसिस तक हो जाता है, क्योंकि सारे मोटर फंक्शंस, हिलना डुलना सब पीछे है। ये यहीं पर हमारा देखने का है इलाका, ब्लाइंड हो जाते हैं लोग, बेहोश हो जाते हैं सिर पे चोट। आगे का स्कल बहुत मजबूत है, जोर से मारो भलना जाएगा। पीछे मारते हैं, बच्चे का सिर पीछे बहुत पोला होता है, मुलायम होता है। आपका पिछला हिस्सा रेप्टाइल ब्रेन है, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका ये ब्रेन ठीक है अगर, तो आपकी हार्ट बीट चलती रहेगी सारी जिंदगी मजे मजे, लिवर अपने आप चलेगा, किडनी अपने आप चलेगी, आपके शादी अपने आप, घर गृहस्थी अपने आप, पैसा अपने आप, अपने आप। यानी इसके लिए करना कुछ नहीं है। मजे की बात क्या होती है, ये ब्रेन से पैदा हुए, धीरे धीरे ये बना, फिर धीरे धीरे ये बढ़ गया। यहां से हम देखते हैं, ये ब्रेन देखने का काम करता है, सुनने का, समझने का, सूंघने का, सारी इंद्रियां यहां से संचालित होती है, तो हमें यहां से ढंग से समझ आता है। ये फ्रंटल लोब है, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है। साक्षी भाव भी यहीं से चलता है, पर हम साधारण बात करते हैं, साधारण व्यक्ति यहां से देख रहा है, यह प्रोसेसिंग हो रही है। ये सारा 12% का खेला है, यहां मुन्ना छेनू पड़े हुए हैं। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस का मतलब क्या है, कॉन्शियस ये मैं देखा, सबकॉन्शियस अपने आप हो रहा है, कब हो रहा है, हो नहीं रहा है, अपने आप यहां होता है। ये वो वाला हो रहा है जो धीरे धीरे मैंने प्रोग्रामिंग की है बॉडी की। एक व्यक्ति ने सबकॉन्शियस में ये डाल दिया, मांस नहीं खाना, वो मांस देखते ही उसकी बॉडी कही उल्टी आ रही है, भाई हम नहीं खा सकते। दूसरे व्यक्ति के सबकॉन्शियस में ट्रेंड है ब्रेन कि हाँ खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। किसी के सबकॉन्शियस में है नहीं शराब पियेंगे लिवर फेल हो जाएगा। पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो हमारा तीसरा नेत्र है, थर्ड आई, शिव जी है वो। ये सबकॉन्शियस हमारा डेवलप हुआ है। आप सबकॉन्शियसली जैनी हो, बुद्ध हो, बनिए हो, ब्राह्मण हो, सबकॉन्शियसली आप सबकॉन्शियस ब्रेन में प्रोग्राम्ड हो कि भैया नहाते हैं हमारी बॉडी कैसे ट्रेंड है। ये सबकॉन्शियस ब्रेन अच्छे से ट्रेंड किया गया है, तो ड्राइविंग करते हैं, फिर फोन पे बात भी हो रही है, इधर भी देख लिया गाड़ी चल रही है। ये सबकॉन्शियस जब बहुत पावरफुल होता है तो शराब के नशे में टुन आदमी गाड़ी चला के घर पहुंच जाता है, यानी आपको होश नहीं, आप कहां मुड़े थे, आप आ गए हो घर। ये सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उन भाभी जी का जो ऐसे ऐसे फटफट फटफट करती है, और पता नहीं छोले चने चावल पता नहीं यार 20 लोगों का खाना बना दिया, भाई कैसे करते हो भाभी जी, सुपर ट्रेंड। ये ऑटोमेटिक ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन ऑटोमेटिक है, तो इस ब्रेन से हम इसको ट्रेंड करते हैं कि ये फंक्शन कराए, ये बॉडी को चलाता है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग करते हैं हम इससे। देखा, समझा, कॉपी किया, फिर इस पे डाल दिया, फिर 10 साल 5 साल सीखा, उसके बाद ना करते कुछ नहीं, फिर ये चलाता है, इसे कुछ करता ही नहीं, इसके दम पे अपने आप खाना बनता है, फिर अपने आप गोल्ड रोटी बनती है, अपने आप ड्राइविंग हो जाती है, अपने आप नोट छपते हैं। अगर ये वेल ट्रेंड है तो ये इससे सारे काम करा लेता है। दादाजी है ये दादाजी है हमारी क्लास में, दादाजी एंड स्लीप क्लास में किया डिटेल। ये ट्रेंड होने के बाद यहां होता है, तो क्या होता है, हमने यहां से इसको नए लूप देने शुरू कर दिए, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये बंद हो गया और ये लूप उस जीवन को चलाना शुरू कर देता है। यहां से मुना ने जान लिया काम वाली से, सास से झगड़ा होगा,
लड़के ने जान लिया मांगेराम ने कि मेरी जॉब के लिए मुझे ऐसे रोना पिटना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेन ट्रेंड हो गया जिसने इसको चला करके जॉब दिलाई या मोना को गुस्सा दिलाया, तबियत खराब करी, ये वाला ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। बाद में ये ब्रेन की जरूरत ही नहीं है, ये ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। जब जब गुस्सा आता है ऑटोमेटिकली ये कहता है इसको, हेलो दादाजी तीन लोगों से लड़ाई करानी है, झंझट कराना घर के अंदर, तबियत खराब करानी है, और फिर जब तक चार पांच दिन के लिए ये ट्रीटमेंट के लिए मौसी के घर नहीं जाएगी ठीक नहीं होने देंगे। पूरा पैटर्न बन गया। ये कहता है मांगेराम, हेलो भाई रोया पिटा तू, तेरी जॉब प्रमोशन चाहिए, मुझे बोलना यार, तेरे को पहले दुख देता हूं मैं। मांगेराम को पता ही नहीं होगा, उस पर इल्जाम लग जाएगा ऑफिस में, छूटने की नौबत आ जाएगी, वो दुखी हो जाएगा और फिर नई जॉब लग जाएगी, कहेगा वाह यार हैं क्या बचे हैं। ये है ऑटो पायलट, ऑटोमेटिकली चलता है। इससे आपका लूप जो भी अच्छा है या बुरा यहां से बनाए, और ये बनाया इसने है और चला ये रहा है। अब आपका लूप कैसे सही कंस्ट्रक्ट करें मजे वाला, कि मजा ही मजा है सिर्फ, और कैसे आप ये काम करें कि आपकी लाइफ के अंदर पुराने खराब लूपों को तोड़ दें। कहते हैं ना, बस उसकी शक्ल मैंने देख ली मेरे आग लग जाती है। भाई क्यों लग जाती है पता नहीं यार, क्यों लग जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस ने कह रखा है। एक साल पहले आप मिले किसी से और आपका झगड़ा हुआ, फिर हुआ थोड़ा, अब दो साल बाद भी आप मिल रहे हैं आपको आग लगी हुई है, पांच साल दस साल बाद भी आग लग गई, क्योंकि आपको खुद नहीं समझ आता है मुझे इसको देख के क्यों आग लगती है यार, आपको नहीं लग रही है, ये तो काम ही नहीं कर रहा ना, ये कर रहा है। भाई मैं तो जब जब यार ये काम करता हूं ना किराने का, मेरे तो यार कर्जा चढ़ जाता है, ये कर रहा है। जब जब करता हूं, जब जब भी मैं घर में बात करता हूं झगड़ा, ये कर रहा है। आपके इसने टेक ओवर कर लिया है। इसको बॉडी में समझेंगे, ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है। कॉन्शियस समझने कौन सा था, अगले वाला जो फ्रंटल लोब है आगे वाला, ये इमोशनल ब्रेन है जो लूप बनाता है, और ये पिछला है जो काम करता है, ठीक है। ये वाली खोपड़िया थी हमारी ऐसे ऐसे, तो ये हमारा फ्रंटल लोब था, ये हमारा इमोशनल, और ये रेप्टाइल ब्रेन, ये हमारा रेप्टाइल है अनकॉन्शियस, ये हमारा सबकॉन्शियस, और ये कॉन्शियस, ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन से चलता है। पैर का जो पंजे का हिस्सा निचला, ये फ्रंट, ये सबकॉन्शियस है और ये अनकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस ये हमारा लूप बनाने वाला ब्रेन है, लूप, और यही तोड़ सकते हैं और यही बढ़िया लूप बना भी सकते हैं। ये कॉन्शियस है, ये हमारा सबकॉन्शियस है, ये हमारा अनकॉन्शियस है। नीचे उल्टा गियर होता है तो अनकॉन्शियस के बाद नीचे तक कॉन्शियस जा रहा है, यहां ऊपर का गियर है तो ये ऊपर जाएगा, ये अनकॉन्शियस है, ये हमारी थर्ड आई है, ये हमारी कॉन्शियस ब्रेन है, ये सबकॉन्शियस है, ये हमारा बेसिकली ये हृदय चक्र है हमारा ना, ये अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, ये हमारा एक नंबर है, ये एक नंबर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना समय ले रहे हैं हम इसमें, ये हमारा दो नंबर है, ये भी दो है, और ये भी दो है, और ये ही हमारा दो नंबर है। अब हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कौन सा, जो पता है, सबकॉन्शियस क्या, जो ट्रेंड हुआ, अनकॉन्शियस क्या है, जो फॉलो करेगा, जिसके दम पे चलता है। ये हमारा कॉन्शियस है, ये नेत्र होते हैं, आंखें होती हैं, यहाँ हमारी, हम आंखों से देखते हैं, भाई कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, अच्छा ये हो रहा है, क्या कर रहे हैं। फिर हमारा सबकॉन्शियस, ये विशुद्धि चक्र है। फिर हमारी बॉडी ट्रेंड होती है कॉस्मोस से, कॉस्मिक वाइब्रेशन के द्वारा सबकॉन्शियसली अपने आप हमारे काम होने लग जाते हैं। और ये अनकॉन्शियस, ये हमारा दिल है, दिल हमारा अपने आप धड़कता है, हम इसे तंग कर सकते हैं तो तंग हो जाएगा, नहीं तो हम कुछ, अनकॉन्शियसली चल रहा है दिल, रात को भी सोए हैं, ये अपने आप चल रहा है, ये परमात्मा चला रहा है, हमें नहीं पता। फिर ये कॉन्शियस है, नाभि पे खाया, क्या खाया, कैसे खाया, नाभि कॉन्शियस है, नाभि पचाती है, इसके दम पे सबकॉन्शियस, जो मैं हूं अंदर, ये मैं है, ये हमारा स्वादिष्ठाना है, मैं और मेरा, ये मुन्ना है या छेनू है, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियसली सोच रहे हैं। ये सी स्क्वायर, लाइट की स्पीड को डबल कर दो, सी इंटू सी, उस स्पीड से यहां से वाइब्रेशन जाती है कॉस्मोस में, हृदय चक्र से तीन बार जाती है, सी इंटू सी इंटू सी, लाइट की स्पीड, ये टेक्निकल है थोड़ा। ये अनकॉन्शियस है, मूलाधार, यहां से सब अपने आप बन रहा है, आरबीसी यहां बन रहा है, सारे काम हो रहे, ठीक हो गया। अब जब हमारी कॉन्शियस ब्रेन ऑफ हो गया, जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन ऑफ हो गया, यानी कि ये ब्रेन ट्रेंड हो चुका है, ये देख दाख के खत्म, इसने टेक ओवर कर लिया,
तो आपकी बॉडी में पैरों की भी कोई लेन देन नहीं है, नाभि का कोई लेन देन नहीं और तीसरे नेत्र का कोई लेन देन नहीं। अगर तो आपने अच्छा लूप बना दिया है तो सब कॉन्शियसली यानी गले के द्वारा, आपका स्वाधिष्ठान चक्र के द्वारा और घुटनों के द्वारा आपका जीवन ऑटोमेटिकली सही चलेगा। अगर आपका ये गलत लूप बन गया है तो कॉन्शियस ब्रेन बंद और सब कॉन्शियसली आपकी लाइफ की कीचड़ हो रही है। आपके पैरों को पता होता है कहाँ जाना है, यहां से कॉन्शियस होते हैं आप, यूं टच करके देखते हैं जमीन को, छप छप किधर है, घुटने उसको अपने आप चलाते हैं और ये फॉलो करता है ऑटोमेटिक। यहां से देखते हैं आप, खाते हैं, सबकॉन्शियसली सब पचता है जो बॉडी प्रोग्राम्ड है, और अनकॉन्शियसली हृदय उसको प्रोसेस करके कहता है स्वाहा, चलाते रहो जिंदगी, ऊर्जा बन गई। ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। अब आपकी लाइफ में लूप जब बन गए तो आपका कॉन्शियस ब्रेन कबाड़ा हो चुका है, आपको समझ ही नहीं आ रहा यार, झगड़ा हो जाता है यार, जब देखो गुस्सा आ जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लोन ही खत्म नहीं हो रहे, यानी कि आपका वन नंबर ब्रेन ऑफ है। ये वन नंबर है, ये टू नंबर ने टेक ओवर किया हुआ है। अगर आपके कॉन्शियसनेस ठीक है, आपके पैर में कभी चोट नहीं लगेगी, आपके सिर में कभी दर्द नहीं होगा, आपकी नाभि खराब नहीं होगी। अब अगर आपकी ये तीनों चीजों में गड़बड़ हो रही है, दैट मीन्स आपकी बॉडी को, आपके जीवन को सबकॉन्शियस ब्रेन चला रहा है, यानी आप लूप में फंसे हुए हो। ये बहुत टेक्निकल है, नहीं समझ आया दोबारा पूछो, क्योंकि ये बहुत हैवी है, आपको इसे प्रोसेस करना पड़ेगा खोपड़ी में, क्योंकि हम ये कॉन्शियस ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये कॉन्शियस अगला वाला, सुन रहे हो, समझ रहे हो, घुस रहा है खोपड़ी में, ऐसे वाला ब्रेन अगर आपकी खोपड़ी में घुस रहा है तो आप इस लूप को तोड़ना सीख जाओगे, नहीं तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये लूप टेक ओवर कर लेगा, हर हालत में टेक ओवर कर लेगा, और आप कहोगे पता तो चल गया था, हो नहीं रहा, क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करने दे रहा खोपड़ी में पीछे। ये जो बीच वाला बेहोशी में हम कर रहे हैं, बेहोशी, ये बेहोश ब्रेन है, ये बेहोश ब्रेन है, ये अपने आप चला रहा सब कुछ, ये होश ब्रेन है। पर अगर इसमें सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई जैसे लूप बन चुका है तो उसको उस लूप से निकलने का कोई तो तरीका होगा ना, है ना, ये होश, होश ऑन करो, अगर ऑन भी अगर अपने आप को ये चेंज करेगा, इसने बनाया इस ब्रेन को और ये आपका सबकॉन्शियस है, ऑटोमेटिक ब्रेन लूप बनाता है, ये दो नंबर ब्रेन है, ये दो नंबर, ये एक नंबर ब्रेन है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, ये आपकी प्रोग्रामिंग है और ये तो फॉलो करके दे रहा है। आप घर में घुसते हो, घुसते टेंशन शुरू हो जाती है, दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाते ही नोट आने शुरू हो जाते हैं, कहते हैं भाई पता नहीं यार क्या चक्कर है यार, बाबा जी आते ना दुकान में पैर डालते, भाई बोनी होती, सही बोनी होती है यार, लूप आपका ब्रेन ढूंढ रहा है, लूप का है। कुत्ता पाल लेते हैं लोग एक लूप तोड़ने के लिए, ये सब टूट के बहुत पावरफुल है। आपका ये ब्रेन पार्ट वन है, आपका ये लूप बन गया, इसे तोड़ना है। आपका ये ब्रेन इस समय सुन रहा है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, यहां एक दो घंटे सुनने के बाद ब्रेन क्या करेगा, ये ब्रेन कह रहा है इसके अंदर जाना है, यहां चलाना है, इसको इसे कह के यहां पहुंचाना है, ये कह रहा है हेलो मैं बुरी तरह ट्रेन लू, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे पेट में गड़बड़ रहती है, बेटा 32 बार चबाया करो खाना, हाँ 32 बार न्यों, न्यों, न्यों। आपको जब पता है, हाँ ठीक है ठीक है, दो दिन के बाद इसने टेक ओवर कर लिया, मैं छोड़ना किन चक्कर में लगा साले, काम पूरा नहीं हो रहा, अभी बंदे का फोन आ रहा है, जाना है, खाया चबाया भाग लिए, फिर पेट खराब, ये ठीक था तो इसने यहाँ कह के पेट ठीक करा दिया, इसको आपने ऑफ किया और बोले दफा कर, ये आ गया फिर से, इसने फिर पेट खराब कर दिया, फिर लूप ऑन हो गया। आपको इस ब्रेन से ये चेंज करना पड़ेगा, और जब तक ये चेंज नहीं होगा, ये कौन है, मुन्ना। तो पाय की बात जैसे आप अभी बता रहे थे कि कुत्ता पाल लेते हैं लूप को तोड़ने के लिए, तो इस माइंड को सेट करने के लिए उपाय भी काम आते हैं ना, 101% उपाय आते हैं, 101% उपाय काम आते हैं, पर मकसद कहने का क्या है, उपाय पे फिर आप डिपेंड होगा, एक नया लूप बनाना पड़ेगा पुराना लूप तोड़ने के लिए। आपको पहले ये ज्ञान हो जाएगा ना, जिस दिन अच्छा इसलिए चल रही है ऐसी जिंदगी, दसियों साल हो गए मुझे अपने बच्चे को समझाते, वो समझता ही नहीं है, सारी दुनिया की सुनता है मेरी नहीं, बच्चे के पेपर वाले दिन वो पट्टा जरूर बीमार पड़ता है, फिर दोबारा लूप बन रहा है, हाँ ये फिर लूप बन रहा है, इसलिए आपको ना ज्ञान होना चाहिए, एक नंबर का ब्रेन हर समय चलना जरूरी है, क्योंकि हर बार एक नया लूप बन रहा है, फिर आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं, मैंने ऐसे सोचना शुरू किया है, ऐसे मैं काम करता हूं, भाई नोट छप रहे हैं, बस इस लूप को क्रिएट करते हैं, ऐसे मैंने खाना खाया, ऐसे मैंने जिंदगी जी, बस खत्म, भाई तबीयत ठीक होने लग गई है,
हमारे जीवन में ऑटोमेटिक पॉजिटिव लूप्स बनाना शुरू कर देंगे हम। वो हम बनाते क्यों नहीं, ये बंद है, ये वाला ब्रेन बंद है। तो सर नए लूप के लिए हैमरिंग फ्रंटल लोब से होती है? फ्रंटल लोब से होगी। आपके कॉन्शियस आपका ये सही रहेगा, अगर आपकी हैंड बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, अगर आपका ये कॉन्शियस ब्रेन ठीक है, यानी खोपड़ी चल रही है, फ्रंटल लोब, यह तीसरा नेत्र, ये सही चल रहा है, तो आपका सारा सिस्टम 1 2 3 तीनों पोर्शंस लॉक है। ये सेंटर पोर्शन है, ये टॉप है, ये बॉटम है, पूरी सिस्टम कंट्रोल में है, कहीं भी लीकेज नहीं होगी, ना सेहत की, ना प्रेम की, ना धन की, नहीं तो प्रेम ही नहीं मिल रहा। आपको प्रेम हो गया, कॉन्शियस ब्रेन से देखा, हाय कितना प्रेम, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सबकॉन्शियस टेक ओवर कर लेगा 10 दिन के बाद, जिससे प्रेम है उसी से लड़ाई शुरू। बोले यार ये मैं तो, हम फिर हम गुस्सा, पहला गुस्सा, दूसरा गुस्सा, मैं गुस्सा नहीं होना चाहता या चाहती, तीसरा गुस्सा इसमें, अब वो भी मुझसे बहस करता है, लूप बन गया नया। तो कौन से ब्रेन ने प्रेम किया था शुरू शुरू में, इसने किया था। पंगे किसने करा दिए बाद में, झगड़े इसने करा दिए, हो क्या रहा है, जो इसको आदेश दे दोगे वो हो रहा है, अनकॉन्शियस को जो आदेश दोगे वो करेगा, उसे तो दादाजी को कोई लेन देन नहीं, वो कहता तथास्तु। तो आप प्रेम में पड़े हो, काम में पड़े हो, बिजनेस में पड़े हो, आपका ये चल रहा है नहीं, क्यों नहीं चलेगा, ये क्यों नहीं चलती खोपड़ी, नंबर वन का ब्रेन क्यों नहीं चलता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस टेक ओवर कर रहा है। सबकॉन्शियस के पास क्या है आपका, अहंकार। आप किसी माई के लाल की नहीं सुनते, आप अड़ियल सड़ियल हो, बहस बकवास बहुत करा लो किसी के, वो कहते हैं ना गुरु नहीं बनाना, मैंने गुरु नहीं, स्वाधिष्ठान है या बृहस्पति का एरिया है, यदि पुरानी क्लास से आप ध्यान रखेंगे, जुपिटर मींस गुरु, अभी हमने ग्रेविटी क्लास के गुरुत्वाकर्षण, आपका गुरु ही नहीं है लाइफ में कोई, यानी आप झुकते नहीं हो, गुरु होने का मतलब नहीं है कि जबरदस्ती का गुरु बनाओ, आप झुकते ही नहीं, आपकी ईगो इतनी भयंकर है, आप लड़ने मरने को तैयार हो, आप में भयंकर क्रोध है, आपका क्रोध क्या करता है, फिर कनेक्ट करिए, ये क्रोध कहां रहता है, ये पिछला ब्रेन क्या था, छेनू, ये बीच वाला क्या है, मुन्ना, और ये क्या है, स्वयं, ये छेनू है क्रोध, बस बस समझाओ मत मुझे, मुझे सब पता है, ये नहीं सुनता, आप फिर नहीं झुके, लूप टूटेगा ही नहीं। ये कह इसको, ये आया समझाने डायरेक्ट, भैया सुन लो मेरी, सुन लो, ऐ चुप, मैंने सुन नहीं, बकवास कर रहा, चुप रह, कोई आपको बताएगा ना कुछ, आप कहोगे साला आया बड़ा समझाने, अपने घर तो संभाला नहीं जाता, इससे हमें बता रहा है, सबका यही हाल है, उसका संभल रहा नहीं संभल रहा, तुम छोड़ोगे तुम्हारा संभाल देगा शायद, लेकिन नहीं, हम क्यों सुने उसकी, साले तू तो खुद कंगला भिखा रही है, हमें अमीर बनना सिखाएगा। ये खोपड़ी हमारी अहंकार से भरी हुई, अहंकारी व्यक्ति का सीधा सा निशाना है, वो गुस्सा ही करता रहेगा सारे टाइम, जब मर्जी गुस्सा दिला लो, अड़ियल सड़ियल नेचर होगी, बोलने में बहस करा लो और मुंह बना के बैठा हुआ है। सर ये लूप जो होता है, ये साल के पर्टिकुलर एक या दो मंथ के लिए ही क्यों होता है? लूप साल के एक मंथ या दो मंथ के लिए नहीं होता है, आपके ब्रेन ने जो लूप बना दिया वैसा होता है, चाहे वो वीकली बना लो, मंथली बना लो, 6 महीने का बना लो, साल का बना लो, वो ब्रेन बना रहा है और आपको पता भी नहीं। हम ये कह रहे हैं आपने जब एक पैटर्न रीड करना सीख लिया कि मेरे साथ ये ही होता है, उसे तोड़े कैसे, तोड़ोगे कब, जब अहंकार टूटेगा, सबकॉन्शियस टेक ओवर ना करे, मुन्ना टेक ओवर ना करे, क्योंकि मुन्ना आदेश देगा। ये ब्रेन बीच में पड़ता है, सबसे पास है दादाजी के, दादाजी एंड स्लीप क्लास दोबारा देखें, आपको रेफरेंस मिलेगी कि जो पकता है यहाँ रात भर दादाजी को फाइलें वही देता है मुन्ना। सर एक मेरे को क्वेश्चन है, जब रेपिटेशन ऑन होती है ना हमारी लाइफ में, कोई भी काम, हम सुबह नहाते हैं, एक जैसा नहाते हैं, खाना खाते हैं, वही टाइम पे खाना खाते हैं, तो अपने आप कॉन्शियस ब्रेन से सबकॉन्शियस टेक ओवर करता ही है। सबकॉन्शियस तो टेक ओवर बना ही इसीलिए वो जी। तो सर किस मोमेंट पे उस सबकॉन्शियस ने अपनी अपने लूप को प्ले कर दिया है, ये जब तक कुछ गड़बड़ सामने से नहीं आएगी या कुछ ऐसा नहीं होगा जो हमारे नॉर्मल चलती जिंदगी में पानी हिल गया, तब तक कॉन्शियस ये पकड़ नहीं पाता कि सबकॉन्शियस ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसको ये लगा कि वो कॉन्शियस ही ड्राइव कर रहा है, लेकिन वो कर ड्राइव सबकॉन्शियस रहा। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जैसे हम टाइम से एक ही टाइम से खाना खाते हैं, उसी तरह से खाते हैं, उसी तरह से उठते हैं, उसी तरह से हम बातें करते हैं, उसी तरह से नहाते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग बनी हुई है, तो हमारी लाइफ तो एक जैसी चल रही है, तो कब जगेंगे हम, अपने आप ही चल रहा है। जब कोई बहुत तगड़ा तमाचा पड़ता है ना जिंदगी का, तब ये कॉन्शियस ब्रेन ऑन होता है, क्या हो गया, अपने आप चल तो रहा, क्या हुआ। इसलिए हर सदमे पे इंसान का कॉन्शियस ऑन होता है, आपको सिर्फ सदमा ही आपके सबकॉन्शियस को तोड़ सकता है, या फिर साक्षी भाव, या कोई गुरु कूटेगा बैठ के तेरी ऐसी की तैसी। इसीलिए सदमा चाहिए, इसीलिए जब बड़ा भयंकर कोई हादसा होता है ना,
इंसान की आंखें खुलती, क्या हो रहा है, क्या कर दिया मैंने, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ यार समझ नहीं, ये जो समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा का क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा का मतलब है कि ये समझता है, यहां समझ आता है मैं सब, ये तो प्रोग्राम बन चुका है, ये तो फॉलो करता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है बेचारे का, ये कहता समझ ही नहीं आता, ये हुआ क्या मेरे साथ भाई, मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ क्या हो गया, हे भगवान हे परमात्मा, ये समझ नहीं आ रहा, ये बटन ही बंद होता है, पति पत्नी लड़ते रहते हैं तो समझ ही नहीं रहा है, तो समझ ही नहीं रही है, क्यों, ये तो बंद है, ये चला रहा है, जो समझ नहीं आ रहा वो उस लूप में है नहीं, जिसको समझ नहीं आ रही ना जिंदगी वो लूप में है, तभी नहीं, क्योंकि ये तो ऑफ है ना, सदमा मतलब फिर कमल हसन और श्रीदेवी, हाँ कमल हसन और श्रीदेवी जब उनके साथ होता है तब ये झटका लगता है, फिर ये ब्रेन अवेक होती है, क्या हुआ है, हुआ क्या है, हुआ क्योंकि ये चला रहा है ऑटोमेटिकली, हम घर आते हैं हम उसी मूड में बात करते हैं, सब कॉन्शियसली ट्रेंड है, घर आएंगे लड़ेंगे बाहर बात करेंगे बड़े प्यार से, भाई और भाई साहब कैसे हो, क्योंकि ब्रेन ट्रेंड हो चुका है, बंदे के कदम घर पहुंचते पहुंचते ये टेक ओवर कर लेता है, क्यों लड़ना है, पता नहीं क्यों मुंह बना रखा है, बना रखा है किसने, बना रखा है क्योंकि ये ऑफ है, यही ब्रेन ऑन है और यही आपके लूप को क्रिएट कर रहा है और इसी से जिंदगी चल रही है आपकी, जब तक आपका ये ब्रेन ऑन नहीं करना सीखोगे आपका लूप नहीं टूटेगा, और आप कहोगे मेरा पूरा जन्म ही ऐसे बीत गया, कंगाली में बीत गया, पता ही समझ नहीं आया यार, मुझे यश नहीं मिला, किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, मैं कर करके मर गई या मर गया, मुझे कोई पलट के प्यार नहीं करता, क्यों, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस तोड़ा ही नहीं, सदमा आया ही नहीं, सदमा कब होगा, जब अहंकार टूटेगा, ये जो पैर छुआई के ड्रामे हमारे चलते हैं ना, ये स्वादिष्ठान तोड़ने के लिए होते हैं, मैं को पल्ले कोई शौक नहीं है कि पैर छूता फिर, मैं तो छुपाता फिरता हूं पता ना चले किसी को बाहर, गलती से पीछे जिम में किसी ने कह दिया हमें पता है आप कौन है, मैंने कहा हाथ जोड़वाता हूं बताना मत किसी को, किसी हाथ जोड़े मैंने लिटरली सचमुच में, हाथ जोड़ता हूं बताना मत, मेरे को तंग करेंगे लोग, मेरे को लल्लू ही रहने दो, लल्लूगिरी अच्छी, क्योंकि किस किस की जिंदगी में क्या क्या बातें करूंगा, यही काम रह जाएगा, ये इसलिए है कि तोड़ो तोड़ो, तुम्हारा ये टूटेगा तो तुम्हारे अंदर घुसेगा कुछ नहीं, तो घुसेगा ही नहीं, मुन्ना पता क्या करेगा, सोजा सोजा फालतू की बातें आ रही हैं, ये ऑफ हो जाएगा, ये सुना देगा, सर एक बात जी, जैसे मान लो आपके बारे में किसी ने एक लूप बना रखा हो कि हाँ तुम ऐसे ही हो, तो अगर वो नहीं सुधर रहा मान लो, या कोई भी नॉन पर्सन या अननोन पर्सन, अगर तुम उस लूप को तोड़ना चाहते हो, तुम सोचते हो कि बाहर में जाइए जो मर्जी सोच रहे हो, मैं तो ठीक ही हूँ, तो उसको भी लूप तोड़ना कहते हैं। इन्होंने प्रश्न बड़ा प्यारा किया है, मैं इसको और रिफाइन कर देता हूँ, कि कोई दूसरा व्यक्ति है और वो आपके बारे में एक राय रखता है कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा, बेवकूफ है, घटिया है, लीचड़ है, क्रोधी है, अहंकारी, कुछ भी, ये तो है ही ऐसा, तो हमारे लिए तो समस्या हो गई कि उसने हमारे बारे में राय बना रखी है हम तो घटिया हैं, जबकि हम है या नहीं एक सेकंड बात है, लेकिन उसका ऐसा सोचने से हम ऐसे ही बन जाते हैं या हम वैसा ही बिहेव करने लगते हैं, तो वो लूप उसका कैसे तोड़े कि हम उसके साथ भी गलत ना करें या हमसे भी गलती से भी गलती ना हो जाए, तो उसकी खोपड़ी में एक पक्की विचारधारा, भैया ये तो मुझसे लड़ेंगे, इन्होंने तो मुझे टोकना है, ये तो कलेशी ही है, सच्चा प्यार देता ही दुनिया में कोई नहीं, मुझे तो सारे लड़के इस्तेमाल करने वाले मिलते हैं, मुझे जितने दोस्त मिलते हैं साले सारे के सारे पैसे के पीछे भागते हैं, जितने लोगों को मैंने मदद करी वो मुझे ही अंगूठा दिखा के भाग गए, ये बना हुआ लूप लोगों के दिमाग में ऐसा है, तो उसके दिमाग में जो लूप बना हुआ है उस लूप को आपने रिकॉग्नाइज नहीं करना है, तूने जो सोचना है तेरी मर्जी, मुझे कोई लेना देना नहीं, तू अपनी आग में खुद जल मर बर्बाद हो जा, आपको संबंध विच्छेद करना है, आप अपने जीवन में उसकी वजह से क्रोधी हो, उससे आप वैसे क्रोधी नहीं हो लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि उसने लूप क्रिएट किया है, तो उसका सबकॉन्शियस कॉस्मोस में मैसेज देकर आपसे उसके लिए क्रोध करवाएगा, बड़े ध्यान से पकड़ो गहरी बात है, और हमसे क्यों करवाएगा, क्योंकि हमारा भी हमें पता ही नहीं, हमें भी पता ही नहीं चल, हमें पता ही नहीं, आपने गुस्सा किया कभी, पता होता करते टाइम गुस्सा किया, उस समय तो सिर फोड़ दिया, अब आपको पता थोड़ी है, आपने दीवार में मुक्का मार के हड्डी तोड़ ली, क्यों थोड़ी भाई, दीवार में सिर मारता है आदमी, कौन मारता है, कौन पागल आदमी तो मारता है, पागल कौन है, पागल वो है जो खुद नहीं मार रहा, पता नहीं कोई करवा रहा है, तो प्रोग्रामिंग कहती है मार दे दीवार में सिर साले, इसको नहीं मार पा रहा खुद को मार दे, यही तो घर में झगड़े होते हैं, पत्नी खाना नहीं खाएगी, क्यों, पति को पनिश नहीं कर पा रही खुद को कर लो,
उसने लूप क्रिएट कर दिया, चाहे किस अगली बार पति से लड़ाई होगी बाद की डेट में उसका पेट खराब होगा, वो अपने आप हो रहा है फिर उसे पता ही नहीं, और दिन भी अच्छे चल रहे हैं, झगड़ा भी नहीं हुआ पति से, ये लूप क्रिएट हो रहे हैं। आपको सोचना है उसका जीवन उसके हवाले, मेरा मेरे हवाले, मुझे तेरी जिंदगी जी के क्या करना है, तू मूर्ख है मैं थोड़ी, ये किसने सोचा है, ये फ्रंट ब्रेन ने सोचा है, इसको समझ आया कि यार ये क्या पागलपन है, मैं उसके हिसाब से क्यों चलूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी उनके लिए कुछ करने धरने की, इसकी जिंदगी इसके हवाले। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम दूसरे से सुखी होना चाहते हैं और इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम किसी को खुश कर सकते हैं या हमें कोई खुश कर सकता है। आप कहते हो ना मैंने इतनी सेवा किया आपकी, मैंने इतना ध्यान दिया, मैंने प्यार किया, आपको मेरी कदर नहीं है। अरे भाई तेरे प्यार की जरूरत किसे थी, तुम जबरदस्ती के जा रहे हो। हाँ जी, सोते हुए हम किस ब्रेन में आते हैं, सोते हुए तो ये ब्रेन होता है, ये ब्रेन होता है, जो ज्ञानी होता है वो भी इसी में होता है। ज्ञानी का तो सोता तो इसी में ही आदमी, क्योंकि ये शट हो गए, लेकिन सपने देखता ये वाला है, और सपने में देख रहा हूं मुझे पता चल रहा है वो ये देखता है, बहुत रेयर होता है वो। रिसेंटली अभी बहुत जबरदस्त ठंड पड़ी हुई है, अपना वीर बाला का काम करता है बच्चा, कभी कभी प्यार कर लेता है, कभी कभी मेरी ज्यादा बात होती नहीं, महीने में दो तीन बार होती है। लालू नाम है इसका, लालू आराम। तो उसने ना मेरे जूते धो दिए, व्हाइट जूते हैं बड़े कंचा से, हमें फ्री मिले थे भैया, हम तो विदेश से लाए थे, हमें फ्री मिलता है, हम तो खरीदा खरादी होती नहीं, भिक्षा हम दही कर देते हैं शुरू। तो दो जूते पड़े मेरे पैरों में पड़े, मतलब तो महंगे बढ़िया जूते थे भाई, ले लिए। अब वो पहने फिर मन का फिट भी हो रहे हैं, क्योंकि कौन तस्मे बांधे, ऐसे खोले ऐसे डाले, मेरे अपने आदत ये आलसी आदमी हूं, तो घूम रहे भटके। अब उसको अचानक लग गए तो सर के जूते गंदे हो रहे हैं, इसको तो चमका दूंगा मैं। उसने जूते लेके धो दिए, अगले दिन मैं ढूंढू कहां है भाई, जूते नहीं मिल रहे यार, बोले धो दिए आपके प्रेमी ने। मन का भाई यार क्यों धोए इसे, साले तेरे प्यार का मैं अचार डालू। अब दूसरा दिन हो गया, जबरदस्त ठंड पड़ी हुई है, जूते गीले पड़े। तीसरा दिन हो गया, छह दिन हो गए जूते गीले पड़े, अब धो दिए पानी में, निचोड़ अंदर तक चला गया जूता तो छड़ गया। अब मैंने कहा बताओ यार कैसी बुद्धि है, इसने अपनी तरफ से ऐसा महान काम किया है, मैंने आपकी सेवा की है, मैंने आपके जीवन में आई, मैंने आपके जूते धो दिए सर। और मैं मन में सोच रहा हूँ क्या इसने जूतों की लाइफ कम कर दी सर, मेरे सबकॉन्शियस रीड हुआ है वो। हाँ, वो मेरा सबकॉन्शियस रीड है, मेरी निरंतर कमांड है कि सर जूते आप नए आप लो, आप वो आपका स्यापा फंसाओगे, आप जूते दिलवा के छोड़ोगे। अच्छा तो मैंने कहा कि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा देखो इस लड़के को ये अपनी तरफ से सेवा कर रहा है, और उसको मैं हमेशा टोकता हूँ बेटा ये मत कर, मच्छर मारने की दवाई मंगवाई, एक शीशी खाली होने वाली थी, दूसरी मंगा ली नई, जब नई आई उसने नई भी खोल दी। फिर मैंने कहा नई क्यों खोली, सर इसमें नई नई दवाई है अच्छे से मच्छर मरेंगे। मैंने कहा अबे तूने पिछली की तो हवा उड़ गई थी, ये भी खराब कर दी, पर क्या बोलू मैं। सोचे आप इसको बहुत गहरी बात कर पे आ रहा हूं अभी। फिर उसने जूते गीले, छह दिन हो गए जूते, अब वो जूतों की लाइफ एक्चुअली कम कर दी, क्योंकि पानी में पड़े सड़ रहे हो, सूख रहे हैं सूख रहे हैं, फिर हीटर में सूख रहे हैं, अभी मौसम नहीं है, तीन महीने बाद धो लेते, वो जूते खराब करने वाली हालत कर दी। फिर मैंने बोला, मैंने कहा बेटा अब नहीं, सर्दी सर्दी में धोने नहीं है, मेरे को थोड़े गंदे अच्छे लगते हैं। अब वो बड़ा खुश हो गया। अब सोच कर चले, उसने अपनी तरफ से सेवा करी, लेकिन उसने एक्चुअली सत्यानाश किया, कायदे से उसे गालियां पड़ने का काम किया उसने। अब वो तो चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या बोलूं, बच्चा इतनी बुद्धि अकली उतनी है, मानते नहीं ना, सुनते नहीं, सेवादार ऐसे घर की बहू करती है, मम्मी जी मैं आपके लिए कर दूं, मैं दाल यहां रख दूं, मैंने डब्बा नया ले लिया। अब वो सास को पता है ये तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है, माता तेरे को समझ ही नहीं है, मैं तो अच्छा कर रही हूँ, मैं तो अच्छा कर रही हूँ। फिर उसे डांट पड़ती है, हाँ इस घर में अच्छा करते रहो, गालियां ही पड़ती हैं, मुझे तो कोई ध्यान नहीं देता। अरे तूने जूतों का नाश कर दिया बहन, तुझे पता नहीं है वो नहीं धोने थे, छह छह दिन पानी में पड़े रहेंगे, तुझे पता नहीं उसका लेदर खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। अब ऐसी सेवा करने वाले को क्या बोलो, सुनो हमारी, हम जैसे कह रहे हैं वैसे किया करो, नहीं वो नहीं सुननी। इसलिए अक्सर हमारी समस्या है, हम दूसरे की सुनते ही नहीं, और हम कहते हैं हम तेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, तुझे रियलाइजेशन नहीं हो रही, और तुम्हें नहीं पता तुम एक्चुअली कबाड़ा कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में उतनी अकल नहीं दे रखी भगवान ने, लेकिन मानना नहीं। इसलिए बुराई जब मिलती है ना, सोचो कोई सिखा रहा है, गालियां मत बको, मुझे डांट रहे, तेरी गलती पे डांट रहे बच्चे तुझे, तेरे को अपनी गलती नहीं दिख रही, और तुम मूर्ख है जो सोच रहा है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें गालियां क्यों पड़ती हैं। अगर तुम अच्छे हो तुम्हें गालियां पड़ती है तो तुम मूर्ख हो, अभी तुम्हारी अकल डेवलप होने में टाइम है, तुम सेल्फ इंप्रेस्ड पर्सन हो और तुम ये खुद ही सोच रहे अच्छा कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, ये बहुत गहरा जीवन है, इसलिए किसी एक की मान के चलनी पड़ती है। हम तो दीवानेपन में कुछ भी कर लेते हैं।
आप किसी की जबरदस्ती सेवा नहीं कर सकते, आपके सेवा में हो सकता है बेवकूफी हो रही है और डांट पड़ेगी, और फिर उस डांटने का भी लफड़ा है, फिर कलेश। यही तो घर घर में नए नए लूप बनते हैं। सास ने डांट दिया, मम्मी जी मैंने तो इतना अच्छा कहता, उनके लिए घी का खाना बना दिया और ये कर दिया, और तो बेटा सत्यानाश पीट रही, तुझे समझ में। इसलिए याद रखो, यदि कहीं कुछ टोकना मिल रहा है, गलती कर रहे हो, आपका ब्रेन नहीं देखने दे रहा, और आप नए लूप क्रिएट कर दोगे नफरत के, क्लेश के, और फिर बार बार वही चलेगा। जीवन को समझ लो, डिप्रेशन विप्रेशन ये सब बातें सारे की सारी कॉन्शियस ब्रेन बंद होने से, हमें समझ नहीं आता, हमने अपना एक नंबर का ब्रेन तो चलाया नहीं, और जिस गुरु के पास एक नंबर का ब्रेन है उसको फॉलो करेंगे नहीं तो हमारी लाइफ लूप में ही चलती रहेगी। इसीलिए कहते हैं किसी की सुन लो, किसी की मान लो, नहीं जिद्दी है अड़ियल नहीं मानेंगे। अपना एक नंबर अगर चल रहा है तो आपकी जिंदगी बढ़िया ही चल रही है, फिर आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नहीं चल रही तो आप लूप में हो, किसी के हिसाब से चलो, और वो आपके सबकॉन्शियस को, दो नंबर ब्रेन को, अहंकार को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको भाड़ में भेज दिया जाएगा, आप खत्म हो जाओगे। ये हमारी ना भी ये भाड़ में जाए, ये कॉन्शियस ब्रेन है, भाड़ में भेज दो, ज्ञान कर लो, और ये अहंकार है इसको तोड़ो, जब तक ये टूटेगा नहीं काम नहीं चलेगा। हमारे जीवन के अंदर जो हमारी लाइफ चल रही है उसके अंदर एक सीधा सा फॉर्मूला है कि भाई थोड़ी मैं तेरी मानूंगा, पहले तू मेरी मान ले। आपने किसी की बात मान ली तो वो भी आपकी बात मान लेगा, आप उसकी बात नहीं मानोगे सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आपके हिसाब से बदले। अब आपको जिंदगी कुछ दे रही है, 12% भाग्य फिक्स है, ये मुन्ना के पास है, ये सबकॉन्शियस ब्रेन है, इसके 12% में फिक्स है कि भैया ये तो मैं तेरे साथ करूंगा ही। अब ये वाला ब्रेन कहता है कि इसने जो देना है ये इसको बोल देता है, फटाक से मिल जाता है, ये पास में ना दादाजी के, तो सारे काम जो 12% लिखे वो अपने आप ही हो जाते हैं। ये कहता है मुझे पसंद नहीं आ रहा, अज्ञानी व्यक्ति यही कहता है मुझे नहीं पसंद आ रहा भाई, अच्छा वो होना तो है ही, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा जिंदगी में, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, तो तू ना मुझे वो दे दे, वो मेरे पास स्कूटर है तो मुझे स्कूटर दे रहा है, मुझे स्कूटर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी दे दे। तो ये कह रहा है मैंने स्कूटर देना है, चुपचाप ले शांति से, तेरे को स्कूटर ही मिलेगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ये कहता गाड़ी दे दे, अबे गाड़ी नहीं देता इसे, कभी नहीं मिलेगी। वो कहता यार मेरे को तूने ना छोटा सा मकान दिया है, मुझे बड़ा मकान दे दे। वो कहता है नहीं दूंगा, तूने एक्सेप्ट कर पहले, जो तेरे भाग में लिखा तेरे को मिलना चाहिए, वही तुझे जीना पड़ेगा, वैसी ही पत्नी, वैसा ही बच्चा, वैसा ही दोस्त, एक्सेप्ट कर। नहीं मुझे पसंद नहीं है, मुझे समाज में वो चाहिए, इनकी लड़ाई हो जाती है, और इनएविटेबली ये जीतता है क्योंकि ये पास में है, क्योंकि लड़ाई करने का तो माहिर है ये तो लड़ने वाला नहीं, शांत ब्रेन है। याद रखें ये 72% है, 72, ये 12 है, ये 6 है, आप शरीर है ये 72%। शरीर से खूब एक्सरसाइज करोगे, खूब मेहनत करोगे, खूब आदत डालोगे, व्यायाम करोगे, तो 6 गुना होगा ये चेंज, तो ये 1 गुना चेंज होगा, 12 छिक है ना ये, इसमें जो बदलाव लाओगे उसका छठा हिस्सा ही चेंज होगा, यहां पर इतना सा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इसको बदल दोगे ना तो ये 2 गुना चेंज करेगा, इसे ये दुगुना चेंज करेगा, इतना जबरदस्त, कितना पावरफुल है सोचो। और अगर इसे बदल दिया, आपने यहां से खुद को हील कर दिया, तो एक बार बॉडी में कैंसर है 72, 6, 72, 12 गुना ज्यादा, सिर्फ 1 गुना मेहनत करनी है 12 गुना ठीक होएगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रेन है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते और दूसरे को देते नहीं कि गुरुजी आप कर लो, अच्छा मामा जी आप कहते हो वो कर लो, मानते सुनते नहीं किसी के, हम जिद अड़ियल क्रोध करते हैं। इसने आपको स्कूटर दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप कह रहे हो गाड़ी दे दे, यहां से बनती है गाड़ी, ये नहीं बनाएगा। आपको इसने स्कूटर दिया, आपने कहा पसंद तो नहीं है पर ठीक है यार बढ़िया है, जो भी है तेरी बात मान ली भाई है तो हमारा, पर यार गाड़ी की इच्छा थी, कहता भाई ये तो मेरा है, तूने मेरा दिया स्कूटर एक्सेप्ट किया, मैनिफेस्ट हो जाएगी गाड़ी, मैनिफेस्ट। ये 12% था, इसने स्कूटर दिया 12 में, ये 6 है, ये इसका डबल इफेक्ट डालेगा, तो 2 पहिए वाली गाड़ी दी थी ना, ये 4 पहिए वाली दिला देगा, और 72 है, यूं मैनिफेस्ट करता है दादाजी पीछे से। प्रॉब्लम क्या है, जिंदगी ने जो दिया एक्सेप्ट नहीं है, कैसा पति दिया है, कैसा बेटा दिया है, कैसा खसम है ये, कैसे बच्चे हैं साले, ये मकान ही पसंद नहीं है। मुन्ना कहता है हेलो तू जो मर्जी मांगता रहा मैं भी नहीं दूंगा, अपने को सेटिंग करके दे भाई। बहुत पहले क्लास की हमने मुन्ना से सेटिंग कर लो, मान जाओ यार मुन्ना को प्यार से बनाओ, उससे मत लड़ो, जो जिंदगी दे रही है मत झगड़ा करो, मत बुरा मानो,
इतने अड़ते सड़ते उसने मेरी बेइज्जती कर दी, वो मुझे कैसे मिल गया, मेरे भाई ने मेरा ध्यान वही लिखा था तभी तो मिला है, उसे एक्सेप्ट कर लो। अब मांगो मुन्ना से, वो आपको नया बना के देगा। इस अनुपात को फिर से समझें, ये 6% है एक गुना, ये 2 गुना, ये 6 गुना है, इसका भी 6 गुना, 12×6=72। तो आप अपने जीवन में यहां जरा सा चेंज लाते हो तो कितना कुछ यहां बदल सकते हो। अगर आपके पास गाड़ी है, इसने गाड़ी दे दी आपको, और आप गाड़ी लेकर के अहंकार कर रहे हो, एक्सेप्टेंस की बजाय दुनिया को शोषा कर रहे हो, दूसरी गाड़ी मांग रहे हो, ये दूसरी गाड़ी नहीं देगा, मांगता रहे, भीख मांगता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो परिवर्तन यहां लाते हो, आपके दिमाग में डाल रखा है, इसने आपको कर्जा दे दिया, आपने कर्जा ले लिया, परेशान है यार कर्जे से, बहुत नहीं परेशान नहीं होना, बहुत कठिन है यार, परेशान तो हम हो रहे हैं, कैसे बोलते नहीं हो रहे, ठीक है यार आज से एक्सेप्ट कर लिया भाई, मेरा भाग था, शांत हूं, इट्स ओके, अब मैं इससे नहीं फाइट करूंगा, अब मैं इससे झगड़ा नहीं करूंगा, अब मैंने कुछ नहीं करना। मुन्ना खुश होकर कहेगा बोल क्या मांगता है भाई, कर्जा तो देख तूने दे ही रखा यार, चल मैं नहीं कह रहा कर्जा हटा दे, ये नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया, अभी मैंने क्लास की है, अब मैंने सुन लिया कर्जा हटेगा, मैंने इसके लिए कोई कोशिश मेहनत कुछ नहीं करना, भाई एक्स्ट्रा बिजनेस करा दे यार, जब तेरा मन करेगा अपने आप हटवा दियो। कमांड, आपकी कमांड प्रॉपर होना जरूरी है, आपका लूप बना हुआ है, इसने आपको लूप दे रखा, कर्जा है और कर्जा ही रहेगा, इसी में रखूंगा साले तेरी ऐसी तैसी, एक्सेप्ट कर लो। आपने जितना जीवन में ऊपर उठना है उतना एक्सेप्ट कर लो, मुन्ना आपको आपकी इच्छा की चीजें देना शुरू कर देगा, पर जो है वो मानना समझना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही बेटा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी प्रश्न बोलने बंद कर दो, उसकी हमें चिंता होती है, तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तुम्हें चिंता करके क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, कर लो चिंता, गालियां पके जा रहे हैं, मेरे भाई ने, भतीजे ने, चाचा ने ऐसा गंदा काम किया, खराब नहीं, एक्सेप्ट करो। तुम मानो बेवकूफ थे, नहीं समझती आज तक, अब समझ आएगी, करो। जिंदगी में आपके लिए बड़े से बड़ी कोई चीज, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम फट से कहते हैं उसने मुझे दोष दिया, उसकी गलती तुम्हारी है, तुम्हारा ब्रेन डेवलप नहीं है, तुम समझदार नहीं हो, तुमने एक्सेप्टेंस नहीं की जीवन की। मुन्ना तुम्हें बदल के देगा ना। मैंने अपने पति या अपनी पत्नी को जैसा है जैसी है एक्सेप्ट कर लिया, उसी के बाद मुझे अपने ही पति या पत्नी से वो सुख मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। लेकिन जो मिला है मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब मैं उससे जिंदगी भर चाहता रहता हूं ऐसा कर दे वैसा कर दे, वो नहीं करता, वो नहीं करेगी। पहले तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मिला है, ये शरीर एक्सेप्ट करो, ये जीवन एक्सेप्ट करो, जैसे हो। यस मुन्ना, तूने जो दिया तेरी कृपा है। हमारी सबसे बड़ी कम समस्या है स्वाधिष्ठान, जो हमारा सबकॉन्शियस है, मास्टर प्लैनेट है, वहां पे जुपिटर और केतु होते हैं, किसी हालत में हम मानते ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, रेजिस्टेंस बहुत है। क्रोध करता कौन है, लड़ता कौन है जिससे एक्सेप्ट नहीं हो रही जिंदगी, मुंह सड़ाता कौन है, बहस करता कौन है, चिल्लाता कौन है जिससे जिंदगी एक्सेप्ट नहीं हो रही। मुन्ना उसे कंगाल बना के रखता है। अगर आप ये कहते हैं कि पैसे से तंग है, काम से तंग है, बरकत नहीं है, आपके अंदर गारंटेड रेजिस्टेंस है, गारंटेड क्रोधी क्लेशी हो आप, आपका जीवन उठेगा ही नहीं, आप सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है समर्पण कर दो परमात्मा के चरणों में भविष्य के लिए, और एक्सेप्ट कर लो पास्ट में जो हो चुका है। आपके ब्रेन की केमिस्ट्री पूरे कॉस्मोस में जाके ब्रह्मांड को बदल डालती है। पर लफड़ा क्या है, हमने अपने दिमाग में दही कर रखा है सब कुछ, अपनी जिद से चले हुए हैं। बड़ी सुंदर बात, कुछ प्रश्न आए थे जो है हम नोट किए हुए, हमने 2-4 के उत्तर तो हो गए, एक दो का रहता वो हम करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। अब आया है गर्ल्स डू ऑल सैक्रिफाइसेस, ये पिछली क्लास में हमने बात कही, मैं कान पकड़ के क्षमा भी मांग लेता हूं जिन्होंने मुझे कहा कि आपने ऐसा कैसे कह दिया जी कि लड़कियां समझदार नहीं होती, नहीं समझने के लिए नहीं होती, लड़कियों को समझाया नहीं जा सकता, स्त्री को समझाया नहीं जा सकता। मैंने ये कभी नहीं कहा कि समझदार नहीं होती, वो समझदार होती है, उल्टा ये कहा कि जब यदि उसको कुछ कहा कह दिया जाए और फॉलो करती है, वो बहुत फास्ट लर्नर है, यूं सीखती है। पॉइंट है वो साथ चले, अगर देवी साथ नहीं चलेगी, फॉलो नहीं करेगी, तो कोई इलाज नहीं। और फॉलो कौन नहीं करता, जिसमें अहंकार है मैं तेरे को फॉलो क्यों करूं, फिर वही स्वाधिष्ठान का चक्कर है, सबकॉन्शियस का। अगर उल्टा शब्द ये जोड़े गए कि आदमी अगर समझदार नहीं है तो वो गधा है, वो गाली है, और लड़की अगर सीधी है, भोली है, तो वो गाय है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए। आदमी मूर्ख कहलाया जाता है, यानी उसका समझदार होना ड्यू है, अदरवाइज संसार नहीं चल पाएगा, इट्स अ मैंस वर्ल्ड। अब इस पे भी एक कंट्रोवर्सी उठेगी, आपने ऐसे कैसे कह दिया, इट्स अ मैंस वर्ल्ड, इसको हम फिर खेल लेंगे, अगली बार खेल लेंगे, मेरे पास तो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस है,
पूरी की पूरी साइंस लानी पड़ेगी इसमें, गर्भावस्था से लेकर के एक्स और वाई क्रोमोसोम पे, इससे कोई फाइट नहीं। इसलिए स्त्रियों का पूरा आदर है, पूरा सम्मान है, और मान के चले कि उसकी कृपा से ही पुरुष और स्त्री का तत्व पूर्ण होने से कॉस्मोस सुनती है, क्योंकि मुन्ना स्त्री तत्व है और छेनु पुरुष तत्व है, दोनों के साथ मिलने से ही संगम होगा। और ये जो है स्वयं, जिसकी कृपा से हमारा जीवन सफल होता है। एक छोटी सी चीज के एडिशन कर दें इसमें कि जो नाभि पर हमारा स्वयं बैठा है, स्वाधिष्ठान जल चक्र है, और ये हमारा मुन्ना है, इसके नीचे हमारा, मेरे ख्याल से इसी डायग्राम पे जाना पड़ेगा हमें बार बार, जो नीचे के तीन ब्रेन है ना, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कॉन्शियस, ये तीनों ब्रेन वेव की तरह बिहेव करते हैं, वेव, ये तीनों ब्रेन वेव है, वेव, और ये जो नाभि है ना, ये कॉन्शियस ब्रेन, ये पार्टिकल है, यहां से इलेक्ट्रॉन मैनिफेस्ट करता है। आप जो चाहते हो वो होके रहेगा, करेंगे इस पे क्लास कभी गई, ये चाह मैंने हो ही गया यार, बन ही गया, कैसे बन गया यार, ये नाभि से जाता है, इसलिए आपके सारे लूप नाभि तोड़ेगी। इसलिए नाभि से प्रार्थना किया करो, नाभि पे हाथ रखी, दस उंगली और प्रार्थना की, मानसिक संकेत लिया, यूं ही सोचा, हे नाभि, खुद से बोलो नाभि, हे नाभि मेरे मन में ये लूप चलता है, इसको तोड़ो, छोड़ो, हटाओ। आपके खुद के दिमाग के अंदर परेशानी है, आपका दिमाग गुस्सा करता है, कौन सा करता है, ये वाला गुस्सा करता है, ये वाले को बोलता है कलो करो क्लेश, सोचो डरो, ये वाला ऑन नहीं होता। इसी को बोलो, मुन्ना जब मुझे गुस्सा आए मुझे याद दिला देना गुस्सा आ रहा है। वाओ, क्या कमांड दिया मुन्ना को, तू ही अगला ब्रेन ऑन करेगा। हेलो हेलो साले गुस्सा आया, देख तेरे को, देख मैंने बता दिया था करूंगा, तो मैं जरूरत के लिए तेरे को बता दिया है। लेकिन जैसे ये सजग होगा ना, 6% है, एक गुना सजग होगा, मुन्ना का 2 गुना 12% है, 2 गुना गुस्सा डाउन, मुन्ना गुस्सा कर नहीं पाएगा, कहेगा आया तो है, शक तो है, वहम तो है, पर मन करता है कि गुस्सा करे। हाँ, मन तो करेगा, मन का तो काम यही है कि छेनू को उठाऊं और आगे की ब्रेन, गुस्सा करने का मतलब ये वाला ब्रेन कह रहा है कि इसको मत सोचने दे, तेरे को चेंज कर देगा ये। हम डरते हैं, मेरे पास कई बच्चे आते नहीं, कल एक बालिका आई माता पिता के साथ, तो बड़ी देर तक तो इंटरव्यू लिया उसने मेरा, फिर जॉब के लिए सिलेक्ट किया कि है तो सिलेक्ट ही, चलो काम तो तेरा चल जाएगा। फिर मैंने कहा कि, कहती मैं आना नहीं चाह रही थी, मैं इस डर से परेशान थी, आप मेरे को चेंज ना कर दो। हमारा ब्रेन चेंज होने से डरता है, यार दूसरा चेंज कर देगा, तो खैर चेंज होकर गए बच्चे की तरह। ये पार्टिकल है, ये वेव है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पेंडिंग रखेंगे। इसलिए स्त्रियां जो ये शिकायत लेके चलती हैं कि वो सेक्रीफाइस करती हैं, उनको अगले जन्म के लिए प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे प्रभु हमें पुरुष के तौर पे जन्म दें। जैसे कई लोग कहते हैं ना, साले यार हमसे अच्छे थे पंछी हैं यार, अगले जन्म में यही हाल होता है, कौआ बन के पैदा होता है और चीले उनको काट काट के फाड़ के खाती है, मरे पड़े होते हैं कि कबूतर की लाश बन कर गए, क्योंकि पंछी बनने का शौक आया हुआ, चस्का आया हुआ। कहते हैं ना लोग, साले हमसे अच्छे तो कुत्ते हैं, कुत्तों वाली लाइफ हो जाती है उनकी, मजाक नहीं है। यहां से ध्यान से बोलो जो बोलना है, पता होना चाहिए आपको क्या बकवास कर दिया आपने, बेवकूफी की है, मूर्खता की है। इसलिए जिन स्त्रियों को ये स्यापा फंसाओ, यार हम ही सेक्रीफाइस करते हैं, आदमी तो करता ही कुछ नहीं, तो एक बार आदमी बन के जन्म ले अगले जन्म में और कमांड दे कि मेरे को अगले जन्म में है परमात्मा पुरुष के तौर पर जन्म दिलाओ, और मुझे याद रहे, सनद रहे, या किसी महापुरुष की कृपा से ये पता चले कि हाँ पूर्व जन्म में मैंने कमांड दी थी। आपको पता चलेगा आदमी की लाइफ में कितने सेक्रीफाइस है, कितने संघर्ष है, कितने लफड़े हैं, आदमी के अपने कितने रोने रापे हैं, वो खुद कितना तड़प जाता है अपने घर में स्त्री को सुख नहीं दे पाता है, तो उसकी मर्दानगी पे सवाल है। इससे ये मतलब नहीं कि आदमी ने ज्यादा किया सेक्रीफाइस, स्त्री ने भी बहुत किया, आदमी ने भी, कंपेरिजन है ही नहीं। ये कंपेरिजन करना और ये सोचना कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए, लड़कियां अक्सर कहती हैं मुझे प्यार में धोखा दे दिया उसने, अरे बहन तो तू समझदार क्यों नहीं है, तेरे को समझदार होना चाहिए, ऐसा गधा क्यों मिला तेरे को जो धोखा दे, ऐसा कमीना क्यों अट्रैक्ट किया तूने, क्यों सुनती नहीं। और यही बात कहेगी स्त्री, सुने, फॉलो करे। आप याद रखें, पुरुष भी यदि परमात्मा को पाने की बात करता है तो स्त्री ही बनता है, एक्सेप्टर बनता है, नमन करता है, झुकता है प्रभु के आगे, वो स्त्री बन जाना ही है। आपको एक्सेप्टेंस आ गई, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया जीवन में, मुन्ना जो आप चाहते हो दे देगा। कहते ना पैर पड़े औरत के सुखी सुख पाया, पुरुष के क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये इसके पीछे साइंस है, इलेक्ट्रॉन का लफड़ा सारा, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्त्री है, मुन्ना वही है, लेकिन सेटल करना नहीं आता। इसलिए आपको समझदार बनना आवश्यक है, अन्यथा लूप में फंस के आपकी लाइफ नर्क हो जाएगी।
आपके लूप तभी टूटेंगे अन्यथा आप दुख में सुखी होते होते जिंदगी काट दोगे। कोल इज फादर ऑफ डायमंड। अगर आपको एक अच्छा लड़का नहीं मिला और उस लड़के ने धोखा दिया और दूसरे ने भी दिया और छठे ने भी दिया तो लूप चल रहा है। याद रखें कदर सोने की होती है, कदर डायमंड की होती है, हीरे की होती है। आप हीरा बने, आपको सब प्रेम करेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा, सब आपको गहने की तरह सजा के रखेंगे। अगर आपको दुश्मनी मिली है किसी से, दुख मिला है किसी से, किसी से गाली खाने को मिली है तो आप कोयले हो, आपका यही हाल होगा। इसलिए ये मत सोचो उसने मुझे गाली बकी, नहीं भैया हम कोयले हैं तभी बकी, कैसे हो सकता है। आपको समझदारी और ज्ञान होता तो आपको वाहवाही मिलती, गाली पड़ी नहीं सकती। तो किसी ने गाली बकी उसे गाली मत बको, सोचो मुन्ना ने गाली बकाई, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं कोयला हूं, अभी मुझे हीरा बनना है। और हीरा बनने के लिए अपनी पिटाई करवाओ, कोई भी आपको तराश तराश के घिस घिस के आपकी ऐसी तैसी फेर के चमक डालेगा। घिसना है, सुननी है, किसी की तो माननी पड़ेगी। एक नंबर ब्रेन मेरा नहीं चल रहा तो मैं उसके पैर पकड़ लूं जिसका चलता है, चलेगा तो एक नंबर ब्रेन, ये ब्रेन चलेगा तो ये चेंज होगा, लूप तभी चेंज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सुनते तो हमें नहीं, मानते तो हमें, फेड अप विद द सेम क्वेश्चन, हमने पैटर्न पहले कर चुके हम। बड़ी मजेदार बात होती है, एक बिटिया रानी आई मम्मी के साथ, रो पिट के आई, मम्मी जबरदस्ती लेकर आई थी, देखो ना ये ऐसे करती है ऐसे करती है ऐसे, मैं करने दो ना, ऐसे तो करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे, ऐसे तो होते हैं बच्चे, काहे को नानुकुर करनी, पहले तो हाई बोलनी चाहिए ना। फिर मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ, 23 साल की है, मैं जहां जाती हूँ हाँ सब लोग एक ही क्वेश्चन कहते हैं, शादी कब कर रही है फिर भाई, शादी का क्या हो रहा है तेरा, कब करेगी शादी, तो मैं तो ना फेडअप हो गई हूँ। हमने कहा यार बड़ी जायज बात है, अच्छा फेडअप क्या हो गई है, माइंड से कमांड के जा रही है, भाड़ में जाए, मैंने नहीं करनी शादी, शादी नहीं होगी अब उसको, उस बहन को पता नहीं चलेगा उसने लूप क्रिएट कर दिया है कि शादी तो स्यापा है साला, स्यापा है साला, स्यापा है, ब्रेन सुन रहा है, जब शादी होगी तो शादी स्यापा बनेगा, और स्यापा बनाने के लिए एक ऐसा ही हस्बैंड मिलेगा जो उसकी लाइफ को नरक कर दे या स्यापा बना दे, फिर वो कहेगी हाँ भजा तो यही था हमने, तरबूज नमकीन होता, तरबूज नमकीन होता, वो नमकीन ही हो जाएगा आपके लिए, इतना इतना विचित्र है जीवन का संयोग। अब वो समस्या क्या है, नए लूप क्रिएट करने के लिए बार बार वो लोगों से मिलती है, अब वो सहज कैसे होगी, तो उससे प्रश्नोत्तर खेला हमने कि एक छोटा बच्चा देखा जी, हाँ देखा है, वो छोटा बेबी क्या करता है, कुछ नहीं ऐसे घूमता रहता है, उसको समझ नहीं आता क्या करूं, फिर उससे मिलते हैं, हेलो बेबी क्या नाम है आपका, मेरा नाम टिंकू है, बेटा कितने साल के, मैं 5 ईयर्स का हूं, अच्छा आपका कौन सा स्कूल है, ABCD स्कूल में हूं मैं, यही पूछते हैं, छोटा बच्चा जहां जाता उससे यही पूछते हैं, अच्छा बेटा क्रो कैसा होता है, नोजी कहाँ है, यहाँ है नोज, ईयर्स कहाँ है, यहाँ है, लाइन देखा आपने, लाइन देखा जू में गए, यही पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे इसके अलावा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर अच्छा क्या तुमने कुछ सोचा कोर्स वोर्स क्या कर रहे हो कुछ आजकल, एग्जाम वेग्जाम की तैयारी, यही पूछेंगे, सब यही पूछेंगे 15-18 साल के बच्चे से, फिर आगे भविष्य के लिए तुम क्या लाइन सोची है यार, कुछ इंजीनियरिंग जा रहे हो, यही सब यही पूछते हैं, फेड अप हो गए हम यही पूछते हैं, और क्या पूछे तेरे से भाई, फिर तुम 23 साल के हो गए तेरे से क्या पूछेगा, और शादी वादी कब हो रही है, क्या प्लान है लाइफ के, क्या पूछेंगे, और फिर शादी हो गए फिर क्या पूछेंगे, और बच्चे बच्चे कब हो रहे भाई, फेड अप हो गए यार, हम यही पूछते रहते हैं सब, फेड अप, फेड अप पे ध्यान दो, लूप बन रहा है, आपने फेड अप होकर जो कमांड दिए खून के आंसू रोगे, सबकॉन्शियस टेक ओवर कर लेगा, जहां बात हुई बेटे से लड़ाई हुई, बेटे होते ही ऐसे जी क्या करें, लूप बनेगा, बेटा ऐसा ही रहेगा, फिर रोना पड़ेगा आपको, आप जब जिस उम्र के हैं आपसे यही पूछेंगे, जब आपके बच्चे कच्चे हो जाएंगे ना थोड़ी कमर झुक जाएगी तो मिलने वाले क्या पूछेंगे, और कब देख रहे हो पोते पोती का मुंह, और क्या पूछेंगे, ये थोड़ी कहेंगे उन्हें और भाई शादी वादी कब कर रहे हो छठी, यही तो पूछेंगे। तो आपसे जब भी जो भी कुछ भी पूछ रहा है फेडअप नहीं होना है, आप सत्यानाश कर दोगे, फेडअप होके लूप बनाओगे, मुन्ना रिकॉर्ड कर लेगा और वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। हाँ जी, अगर हमें लूप चेंज करना है दैट मींस हमें एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी लाइफ में। लूप चेंज करने की बात तभी होगी जब मुन्ना टेक ओवर नहीं करेगा, सबकॉन्शियस टेक ओवर नहीं करेगा, कॉन्शियस टेक ओवर करेगा, और कॉन्शियस से हमने करके देख लिया फिर भी लाइफ ठीक नहीं, तो दूसरे के कॉन्शियस को पकड़ो, किसी की तो मानो, जो शब्द कहा जाता है कि परमात्मा, महाराज, भगवान, स्वामी, गुरु, वो इसीलिए कहा जाता है जिसका एक नंबर चल रहा है, स्टडी करो किसकी लाइफ सही चल रही है, और याद रखो वो इंपॉर्टेंट आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए एनी टाइम कुछ बोल बैठे, आपको जीतना पड़ेगा हृदय, उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा, झुकने से आप हमेशा जीत जाओगे, हमेशा जीतोगे।
ऑलवेज. वो कहते हैं ना कि मॉन्क से एक छोटे बच्चे से पूछा कि कैसे आप बड़े बन सकते हो. छोटा बच्चा था. मॉन्क कहते हैं जो सन्यासी साधु समझ लो बुद्धिज्म में होता है. छोटे बच्चे से पूछा है ज्ञानी ने कि आप कैसे बड़े बन सकते हो, तो उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, झुक गया. तो जो साधु था मॉन्क का, बड़ा वाला मॉन्क, वो भी उसके आगे झुक गया. बोले बेटा तू तो इतनी जल्दी बड़ा हो गया, मेरे आगे झुकने से तूने मुझे भी झुका दिया. ये बहुत गहरी बात है. झुको, झुकते नहीं हो. अहंकार बहुत ज्यादा है, इसलिए फैटअप नहीं होना. फैटअप होकर गलत कमांड जाती है, नए लूप क्रिएट होते हैं. हु टू ब्लेम इन प्रॉब्लम, आप ही की गलती है, किसी की गलती नहीं है. व्हाई वुमन क्राय, व्हाई मैन शाउट. मुझे क्या पता यार, वैली वैली. स्त्रियां क्यों रोती पिटती हैं और पुरुष क्यों भौंकते हल्ला मचाते हैं? भाई जिसको जो आता है वही करेगा, और करी कह सकते हैं, क्योंकि स्त्री कहती है मैं रोकर आपको पीटूंगी, और पुरुष कहता है मैं गाली बक के तुम्हें पीटूंगा. क्योंकि स्त्री इनवर्ड है स्त्री तत्व, और पुरुष आउटवर्ड तत्व है. जब पुरुष भी भगवान भगवत प्रेम में लग जाता है तो वो स्त्री ही बन जाता है. हम हर बार ये बात करते हैं, पुरुष भी स्त्री बन जाता है. स्त्री क्यों नहीं पुरुष बन सकती? ना बने, बहुत राक्षस होता है वो. पुरुष बनना बड़ा भारी काम है. आपको पता रहे, गूगल करके देख लेना, ऐसी सैकड़ों बीमारियां जो पुरुषों को होती है स्त्रियों को होती नहीं. क्योंकि ये कलेश, रोना पिटना, हाय तौबा, पुरुष को जल्दी हार्ट अटैक होता है स्त्री से भी. ये शब्द मजाक में बना है यार. स्त्री मरती नहीं, उसकी बॉडी इम्यून है, उसको नहीं होगा. वो फील कर सकती है बहुत लंबे टाइम तक परेशानी को, और उसके साथ जी सकती है. पुरुष को नहीं अटैक हो जाता है. पुरुष को भी स्त्री ही बनना है, एक्सेप्ट करना है. अगर स्त्री ही पुरुष बन जाएगी, लड़ाकी हो गई, तो उसकी भी जिंदगी नरक है. पुरुष ने तो नरक कर ही रखे लड़के, इसलिए पुरुष भी शाउट करता है, वो कोई अच्छी बात नहीं है. आता नहीं ना कुछ, और बस का नहीं है उस बेचारे का. जिस पुरुष ने शाउटिंग बंद कर दी वो स्त्री को भी जीत गया. आगे कह जी, हाउ मच टू सफर, कितना सफर करे इंसान, कितना सफर करे. जहां तक का टिकट ले रखा वहां तक का सफर करे. कहां तक का टिकट ले रखा है? मौत तक का टिकट ले रखा भैया. इसलिए मृत्यु के समय तक जिंदगी में सफर करें. तो क्या करें? छोटी बात हो चुकी है हमारी, एक्सेप्ट कर लो मुन्ना की एक चीज, फरमाइश रख दो पूरी कर देगा. एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. एक्सेप्ट को समझ लो, जो बिल्कुल पसंद नहीं है एक्सेप्ट. ऐसे कहा गया मेरा दोस्त, एक्सेप्ट यार तेरे ही थे यार, गलती हो गई मेरे, समझे मैंने गलत, भाई तेरे ही थे. लोग कहते हैं ना मकान है मेरा मकान है, भाई तेरा नहीं है, तूने खरीदा है किसी से, और तेरे मरने के बाद किसी और का होगा. तेरा कुछ नहीं है. ये अहंकार त्याग दो कि मेरा कुछ है. मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये सोचने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, क्योंकि ये सब छलावा है. दिस इज इल्यूजन. और सर, जन्म मरण, सुख दुख, यश अपयश, ये छह चीजें जब फिक्स ही हैं, तो किसी भी लूप में हमारा क्या रोल है? सिर्फ सरेंडर. जन्म मरण, यश अपयश, और क्या था, सुख दुख. सुख दुख, अगर ये सब फिक्स ही है, ये 12% फिक्स है ना भाई, यही तो समझो, इससे ज्यादा नहीं है फिक्स. बाकी में आप उस 12% के घेरे के अनुसार फ्री विल से चेंज कर सकते हो. आप यहाँ आए, क्लास पर आए, कुछ टाइम आए, आप बदल रहे हो, आपके अंदर कुछ बदल रहा है. आपको ये नहीं कई बार पता चलेगा, शुरू शुरू में लोग आते हैं उत्साहित होकर, लगातार आते, खींचे हुए आते हैं, फिर ज्ञान इतना ज्यादा हो जाता है, फिर खोपड़ी कहती है इससे ज्यादा हैंडल नहीं हुआ, फिर वो कुछ टाइम बाद आना बंद कर देते हैं. उतनी ही खोपड़ी है, इससे ज्यादा भर नहीं पाए. जब तक आए बड़ा खिंच के आए, फिर खोपड़ी हैंडल नहीं कर पाई कि यार इतना कितना समझेंगे यार, तो साला पागल होने वाली बात है यार. और कुछ इस खोज में आ रहे हैं, कुछ तो समझना, कुछ तो समझना, कुछ तो समझना है. ये 12% है. इसके अलावा आप यहां भी आ रहे हैं, आप बदल रहे हैं. एक दिन आपको झटके से ऐसा समझ आएगा, आप कहोगे साला इतना आसान था यार, जैसे कि दरवाजा खोलना था साला, तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि आपको दरवाजे की कुंडी नहीं मिल रही. इसे हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट. एक दिन एनलाइटेंड हो गए आप, बस उस दिन की वेट करो. समय पर क्लास करनी बनती है हमारी. समय बहुत ताकतवर चीज है, परमात्मा है. ये समय आएगा एक दिन, हर चीज की समझ आएगी. तो ये कुछ फिक्स नहीं है, ड्रामबाजी है. 12% होता है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमें कुंती की तरह दुख बुलाने चाहिए ताकि भगवान कृष्ण याद आते रहे, पर अगर इतनी सहन शक्ति ही ना हो और दुख की घुटन से बुरी तरह से तड़प ही रहे हो तो क्या करें? जलबिन मछली की जैसे तड़प रहे, जैसे की नृत्य बिन बिजली की जैसे जैसे की. अच्छा, तो तड़पो फिर,
क्लास की हुई है, इस पे हमने हे कृष्ण मुझे दुख देना, और ये कुंती के ऊपर ये परमात्मा ने कराई हुई है, देखो इसे। मतलब कहने का ये है कि कुंती ने जीवन के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए, पंगे किए, अहंकार किया और वो कृष्ण को भूल गई। अगर कुंती ने कृष्ण को पहले ही याद रखा होता, दुर्योधन ने पहले ही कृष्ण की बात मान ली होती, अर्जुन ने पहले ही कृष्ण के साथ गीता की टेंशन ना मचाई होती, द्रोणाचार्य भीष्म सब ने, तो ये दिन ही ना देखने पड़ते। मतलब कि हमारे जीवन के जितने पंगे हुए वो इसलिए हुए क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए। कृष्ण चेतना की बात हो रही है यहां। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हुआ, कुंती ने बाद में ये कहा कि हे भगवान मैं तुझे भूल गई, हे कृष्ण चेतना मैं तुझे भूल गई, मेरी मूर्खता है, पर साला दुख में याद आता है तू, इसलिए दुखी दे दियो मुझे तू, क्योंकि मुझे मेरा भरोसा नहीं कि मैं फिर भी तुझे हमेशा याद रख पाऊंगी। हमने आज क्लास में हम कर रहे हैं दुख का सुख, ब्रेन प्रोग्राम्ड हो जाता है कि दुख आएगा तभी हम छोड़ेंगे परम पिता पे और कहेंगे हताश हो गए, परमात्मा तभी याद आएगा, और फिर जब ब्रेन अच्छे हॉर्मोन्स पैदा करेगा कहेंगे वाह वाह अच्छा लग रहा है, और ब्रेन फिर से उसी लूप में हमें डाल देगा और हमें पता ही नहीं चलेगा, दुखी होने का मजा लेते हैं। इसलिए हमें दुख चाहिए, फालतू में मुंह बनाते हैं, फालतू में लड़ते हैं, पुरानी पुरानी नफरत करते हैं, भुलाते नहीं, शरीर खराब करते हैं, बट इट्स ओके। इसलिए कुंती ने कहा है कि कृष्ण मुझे दुख दे दियो, इंसान इतना नलायक है भूल जाता है। 24 घंटे परमपिता वो कृष्ण हमारे साथ है। कृष्ण क्या है, कृष्ण चेतना, इस पर क्लास है डिटेलिंग अच्युतम केशवम, परमात्मा की कृपा से हुई है, देखें उसमें समझ आएगा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फिक्स ग्राउंड रूल्स इन लाइफ सो दैट वी स्टे इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड एंड हार्ट। जीवन में ऐसे कैसे रूल्स बनाए जाए ताकि हमारा दिल दिमाग बिल्कुल सही स्थिति में बना रहे, तो जीवन के ग्राउंड रूल्स पूछे इन्होंने, क्या होने चाहिए ताकि फालतू के फड्डे ना हो, पंगे ना हो। जीवन के सादे से उसूल दो ही हैं, एक है राम, एक है कृष्ण, एक है मर्यादा और दूसरा है मस्ती। मर्यादित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति, यानी कि तरीके से सूर्य मर्यादा में रहता है। सूर्य ये नहीं कहता मैं ठंडी ठंडी आग धरूंगा, ठंडी आग, सूरज वैसा ही है, यू नेवर चेंज। आप मस्ती मारते हुए चलते, सूरज पूरी मस्ती मारता है, एक जगह से निकलता ही नहीं, पर कर्म वही करेगा। तो आपने जो मर्जी मस्ती मारनी है, रहना मर्यादा में। मर्यादा का मतलब गांठ बांध लो कि इतना फालतू का गुस्सा नहीं करेंगे, जिंदगी से इतना लड़ेंगे नहीं, क्लेश करेंगे नहीं, दूसरे का खाएंगे नहीं, चोरी चकारी करेंगे नहीं, जो गया परमात्मा के हवाले मानेंगे, और उस परमात्मा के अलावा किसी के आगे ना झुकेंगे ना मानेंगे और उसको ही समर्पित करके चलेंगे। जीवन की मर्यादा बनाओ, यही ग्राउंड रूल्स है। जो हो गया अब तो ही गया, क्या रोना है, खत्म। किसका, तेरा तेरा तेरा, खत्म, स्यापा खत्म, सब तेरा। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ गुड थिंग्स कम टू अस आफ्टर वी हैव नथिंग एंड आर टोटली ब्रोकन, देन हाउ टू रिमेन इन थैंकफुल स्टेट और देन एक्ट एज थ्रू वी हैव स्टिल हैव नथिंग, इज दिस ड्रामा। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं था और फिर हमारे पास कुछ अच्छी चीज आई, गुड थिंग बोला है उन्होंने, चीज आई, तो फिर हम अपने आप को नॉर्मल कैसे रखें। भाई आपके पास जो आया वो कुछ चीज है, चीज एक मेटलिस्टिक चीज होती है, एक चिज्जी होती है, एक एनर्जी होती है। आपके पास चिज्जी आई है, उससे आप खुश हुए, अब आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हो, और आप कह रहे हो कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में तो क्या करें, कैसे हम रहें। वो चीज आई है, वो जाएगी, जो शरीर भी जाएगा, गाड़ी भी जाएगी, मकान भी चला जाएगा। तो चिज्जियों से गुड थिंग, चिज्जी गुड है, ये मूर्खता है, ये मुन्ना कह रहा है। आपकी सांस चल रही है, आंखें देख रही है, काम चल रहा है, आप चाहे सड़क पे भिखारी हो, चाहे आप महल में बैठे राजा हो, अगर ये सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, आप सुखी हो। अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो चीज आने और जाने से कुछ नहीं होता। ये याद रखो, जिसके जीवन में कोई चीज आएगी, दूसरे के कुछ ना कुछ एडजस्ट होगा। इस पे क्लास है तन मन धन। आप तन से सुखी होना चाहते हो तो मन और धन का सैक्रिफाइस होगा ही होगा। धन से सुखी होना चाहते हो, मन का सैक्रिफाइस, तन का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट्स है, तन मन धन क्लास देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहंकार और डर के लूप से कैसे निकले। अहंकार और डर के लूप से कैसे निकले, सिंपल है। अहंकार में तो पैर पकड़ना शुरू कर दो, घर के बड़ों का नियम बांध लो कि अपने घर के माता पिता है जैसे, उनके पैर तो छूने ही छूने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पैर छू, झुकना ही काफी है। बॉडी का ब्रेन झुका, 70% झुका, 1/6 हिस्सा मुन्ना पे इफेक्ट आएगा।
और नहीं तो किसी की बात फॉलो कर लो यहां से, एक नंबर से दुगना इफेक्ट आएगा, 1/6 और दुगना बहुत बड़ा फर्क है। तो किसी की मान के सुन लो, नहीं कह दिया ना, इसने कह दिया फॉलो करना है, चाहे मरते मर जाएंगे, दाएं मुड़ बाएं मुड़, जिसने ये फॉलो कर लिया उसको तार देगा वो, आपको ये फॉलो करना सीखना पड़ेगा। यही था पूरा, और भी था कुछ? एक अहंकार का हो गया तो सर, अहंकार अहंकार का ये हो गया। डर के मुद्दे के लिए कुछ भी नहीं है, सारे समय साक्षी भाव ऑन करना सीखो कि भैया ये डर मैं नहीं रहा, मुन्ना डर रहा है। सेक्शन टुकड़े बना लो, बैठ के ब्रेन के अंदर टुकड़े बना लो, अपने ब्रेन में मानसिक रूप से शांत होकर बैठो, सोचो मुन्ना ऐसा तेरे पास ना 12% है सब कुछ, ऐसे बात करो, यही चीज तेरे पास 12% है सब कुछ, तू ना ऐसा कर 12% जगह बना ले ब्रेन में, कुर्सी बना ले, कमरा बना ले, और ना वहां चला जाएगा जब जब परेशानी मेरे को आए, तो मुन्ना परेशानी देने के बाद तत्काल वहां चला जाएगा और बोले वहीं रेस्ट करना, बस खत्म। हमने कमांड कराई थी पहले कि जब मुन्ना तंग करे बोलो फ्रीज, तो मुन्ना आया फ्रीज किया, वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है और फिर ऑन हो जाता है, क्योंकि हमने उसे रोका है थोड़ी देर और वो चलाए माने, उसको किसी काम में लगा दो कि मुन्ना बैठ करके झाड़ू बारी करता रहा अपने कमरे में, वो कमरे को साफ करता रहेगा। मुन्ना सारी ब्रेन की मेमोरी फाइल्स खोल पुरानी, और सारी की सारी फालतू की फाइल्स जो है उनको जंक बनाए, और वो सारी की सारी देख, अगर भूलने लायक है तो भूल जा, बहुत सारे काम है, कमांड नहीं आनी चाहिए, उस कमरा बनाएगा एक ब्रेन के अंदर और खत्म। उसी कमरे के साथ एक पार्किंग कर दो वहां, ऐसा छेनू के लिए भी जगह बना ले यार, पास में रख अपने, खत्म। ये एक्सरसाइज करो करो, मुन्ना शरीर नहीं है, अशरीरी है, ये बॉडी नहीं है, चिज्जी नहीं है, इसको अलग पार्क करो ना, क्रोध करने के टाइम क्रोध करेगा, करेगा भी तो तंग नहीं करेगा, बता देगा, ट्रेंड करो, एक्सरसाइज करते नहीं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अगर हमेशा ही गालियां दे क्योंकि वो आप अपने से ज्यादा किसी को नहीं समझता, तो हमको बुरा नहीं लगता, दिल बहुत ज्यादा दुखी होता है गुरुजी? कोई हमें गालियां दे क्योंकि वो अपने आप को बहुत समझता है, तो यही तो आंसर है, वो गालियां दे ही सकता है। हमारा दिल दुखता है तो ऐसे में क्या, हमारा दिल क्यों दुखता है यार, कमाल हो गया, गाली उसकी, मुंह उसका, दिल उसका, बकदी तुम क्यों ले रहे हो उससे, डस्टबिन हो क्या भाई, मेरा मुंह है, मेरी जो मर्जी करूं, कोई लेन देन है। अभी बड़ी जबरदस्त कॉन्ट्रोवर्सी उठा दी, राम जी मांस खाते थे, पॉइंट उठाया, झगड़ा सा हो गया कुछ, अभी चल रहा है, न्यूज चल रही है भाई, समझ नहीं आता ये राम जी के मांस खाने का क्या मतलब है, राम जी खाते थे नहीं खाते थे, ये तो बात बिल्कुल वाहियात है, मतलब ये प्रश्न उठा करके पॉलिटिकल स्टंटबाजी करनी है, इसका क्या लेना देना है। फिर वो बोले जी क्षत्रिय थे, अरे तो थे नहीं थे, वो उनका जमाना था, तुम्हें क्या लेना देना, कितना सिंपल है, राम जी की पूजा करो, उनकी मर्यादा को जानो, हृदय चक्र सूर्यवंशी, आपका हार्ट चक्र सेटल होगा, मजे करो जिंदगी के अंदर, राम की वेव चली हुई है यार, आराध्य बनाओ उनको, नहीं पसंद तो कृष्ण जी ले लो, माता रानी ले लो, हमारे पास बहुत सारे, लेकिन कमियां ही ढूंढनी है साली, राम ने खाया ये खाया, बकवास, क्या किसी ने किया उससे क्या लेना देना, उसने मुझे गाली बकी, मुझे बहुत बुरा लगा, तो उसका मुंह था, उसने बक दी, तुम क्या कर सकते हो, तुम भी बक दो, तुम्हारे पास औकात नहीं है कि उसे गाली बक सको, तो तुम पहले तो मरे हुए हो, इसलिए तुम उसे बक नहीं पा रहे, तो तुम अपना रोना रो रहे हो, तुम भी बको, नहीं हिम्मत बनाओ, कैसे बनेगी, डायमंड बनो, सोना बनो, सोने की कदर होती है, तुम पत्थर हो, कोयला हो, इसलिए तुम्हें पूछता कोई नहीं, औकात बनाओ अपने, सीखो, सीख लोगे सब अकल होगी, सब औकात होगी, सब समझ आएगा, दुनिया अपने आप कदर करेगी। हाँ जी सर, इनको इनका जो लूप सेट है वो है रात को नींद ना आना और स्किन प्रॉब्लम होना, तो उसका कारण क्या है और उसे कैसे ठीक करें इस लूप से? इन्हें रात को नींद नहीं आती और इनको स्किन की प्रॉब्लम है, तो उस लूप से कैसे निकले, कैसे ठीक करें, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे क्या क्या सताए, कोई पता नहीं, जाके लौट के आए क्या लाए, जरा ढूंढ के लाए, जरा ढूंढ के लाए, जरा जरा तो तीर मार देगा कृष्ण जी के पैर में, जरा को ढूंढ के ला सकते हैं। इनको रात को नींद नहीं आती तो रात को सो मत, दिन में सो जाओ, कितना सिंपल है ना, मजाक पर ये सत्य है। बॉडी को जैसे ही रात होती है, बॉडी का ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, थर्ड आई कहती है भैया रात का टाइम है, लूप ऑन करेंगे, कैल्सिफिकेशन हो जाती है हमारे पाइनल ग्लैंड की, तो दिमाग चलना बंद हो जाता है, कॉमन सेंस है, रात हो गई सो जाओ, नहीं कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस कहाँ होती है, यहाँ होती है, एक नंबर का ब्रेन खत्म है इनका, डेड रखा है, कौन चला रहा है, लूप, क्यों, ये दूसरों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, इनके जीवन में दूसरे ने क्या कर दिया इस कारण से इनकी लाइफ चलती है, इनको सारे समय ये लगता है दूसरे ने ये किया, कंपैरिजन बहुत जबरदस्त है इनका, सेल्फ इंप्रेस्ड आदमी है ये भयंकर रूप से, इस कारण से इनका फ्रंटल लोब बंद है, रात को नींद नहीं आती टके भर की भी, इसके लिए क्या करो, दिन में सो जाओ,
हाँ लूप तोड़ो ना, आपको ये रोना बंद करना, रात को नींद नहीं आती, एक्सेप्ट रात को देखो भैया नींद आती नहीं है, ठीक हो गया यार, अब हम क्या करेंगे, हम दिन में सो जाएंगे। मुन्ना कहेगा यार सहले तो तंग ही नहीं हो रहा रात की नींद से, वो नींद देना शुरू कर देगा, वो चार दिन बाद अपनी गन लेगा, लॉलीपॉप फायर करेगा, नींद आएगी, तीन दिन बढ़िया, फिर आप तीन दिन बाद क्या कहोगे, भाई मजा आ गया सही, अब नींद ना आएगी अगले तीन महीने। बस याद रखना जवाई सा खुश ना हो रहे, खुशी ना मनानी जवाई सा ने, अगर खुशी मना ली मुन्ना कहेगा बस खींच लो यहीं से लॉलीपॉप, आगे मछली काटे में कभी बखान नहीं करना। लास्ट टू क्वेश्चन, रात की नींद खत्म। सर ये निशाचर भी तो हो सकते हैं, निशाचर है ये, निशाचर शुक्र है पिशाच नहीं बोला, बड़ी इज्जत रखी सर हमने कसम से, बर्थ टाइम बारी बारी जाऊंगा तो बारी बारी बर्थ टाइम बच्चे भी तो बोलते हैं, जैसे हम बच्चों से मतलब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कह रहे आप तो कभी खुशी नहीं होगी, ऐसे क्यों बोलते हैं बच्चे? नहीं तो बोलो बेटा दुखी नहीं है, खुश है बेटा, खुश है बस, खुश ना होना कभी, खुश ना होना खुशी, उम्मीद तसल्ली बताना खुशी। आज आपके जीवन में आपकी बात करता हूँ पर्सनल, आप मतलब सब आपके लिए होगा, संबोधन इनकी हो रहा है, आप में से कोई भी आपके जीवन के सारे दुख पता है क्यों है, सारे उम्मीद, आपको उम्मीद लगी हुई है, यही आपके जीवन का रोना है, और आप चाहते हो मैं तसल्ली मना लू, और यही आप बताना चाहते हो और इसी की खुशी चाहिए, आपका जीवन आप कोई भी अगर नर्क है तो आपकी उम्मीद की वजह से, दूसरे से क्यों चाहिए आपको, और बताना भी नहीं है तो क्या बताना है, जमाई से खुश ना हो रहे, ये तो याद रखो ना, किसको बताओगे? नहीं मतलब जैसे कोई चीज से अच्छा लगता है आपको, क्यों लगता है अच्छा, शेयर नहीं करना, अरे क्यों अच्छा लगता है खुद को, क्यों अच्छा लगता है, नहीं लगना, अच्छा लगने को कुछ है ही नहीं, बुरा लगने को कुछ है ही नहीं, अच्छा लगेगा तो बुरा भी लगेगा, अच्छा लगेगा तो बुरा भी उतना ही लगेगा, उतना ही मुन्ना देगा आपको बुरा ही, अगर अच्छा ही साथ देगा तो, अगर मुन्ना आपको गाड़ी दे रहा है आप कर रहा है मजा आ रहा है एक्सीडेंट उसी से देगा, अच्छा लगने का मतलब क्या है, सहज रहो मस्त रहो, सुख दुख का क्या लेन देन, इसी को आनंद कहते हैं, जो लोग जीवन भर नहीं समझ पाते, कोसते रहते हैं कुड़ते रहते हैं, सुबह से लगे हुए कोई काम तो है नहीं, बच्चे कोई कोसने बैठ गए, जिंदगी को कोसने बैठ गए, इस पे तो कोसने पे तो बहुत क्लासेस की हुई है हमने। सर लास्ट टू क्वेश्चंस लेंगे, आई लव लास्ट टू क्वेश्चंस। एक तो लूप तोड़ने के लिए किसी भी चीज को कितने दिन करना चाहिए मिनिमम, लूप तोड़ने के लिए किसी भी चीज को कितने दिन करना चाहिए मिनिमम, 7 days आपकी मसल मेमोरी में आएगा, 3 महीना और जीवन भर, क्योंकि लूप बनाता रहेगा ये, हर लूप तोड़ने के लिए आप शुरू में एक नया लूप बनाओगे जी, तो आप लूप रिप्लेस करोगे, आपको लूप तोड़ना आएगा नहीं अभी, चाहे कितना ही सीख लो, तो आप एक नया लूप बनाओगे, फिर आप उसके प्रति सचेत होंगे, इसीलिए सर्वोत्तम होता है कि पेपर आप देके आओ, कोई लूप बनेगा ही नहीं, स्यापा खत्म, कोई है नहीं ना, किस जिंदा के आगे तो झुका ही नहीं जाता ना, मौत पड़ती है। हाँ लास्ट क्वेश्चन सर, एक तो नो रेजिस्टेंस और मर्यादा, इन दो रूल्स को बैलेंस कैसे करें अगर इनके बीच में कंट्रडिक्शन होता है तो? नो रेजिस्टेंस मतलब जीवन को ना बोलना, नहीं बोलना, और मर्यादा, इनके बीच कैसे हम सेटल करें? मर्यादा के अंदर तो देखो भाई राम मर्यादा के भगवान है, अब जितनी आप राम तो बन नहीं सकते और ना ही बनने का फायदा कोई, एक ही राम जी काफी है, इतनी स्ट्रगल करी मोदी जी की कृपा से आज राम मंदिर बना, आपका बनेगा नहीं इतनी जल्दी, तो इसलिए राम जी तो हमारे एक भले, क्योंकि हनुमान जी सीता हमने इस पे क्लास की हुई है, हनुमान कॉन्शियसनेस के ऊपर, हनुमान चालीसा में इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, सीता जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है राम है, जो बुद्धि है वो लक्ष्मण है, जो प्राणवायु है वो हनुमान है, ये सारा का सारा उनका कार्यक्रम है। तो मर्यादा जैसी चीज, राम जैसी पराकाष्ठा है, अनंत है वो सोचना ही गुनाह है, आपके बस की जितना वो करो, और गलती हो गई, मर्यादा नहीं रही, चरणों में डाल दो किसी बड़े के, कौन बड़ा, हो सकता है आपसे छोटी उम्र का भी हो, कहीं जहां झुकने का मन करे, कहीं जहां चरणों में स्व न्यौछावर कर दो, जहां मन को नग्न कर देने का मन हो कि तेरे आगे अपना मन नंगा कर सकते हैं, खुले हो गए, हल्के हो गए, कूड़ा फेंक डाला, कूड़ा नहीं दिखा सकते सबको हम, अगर शरीर पे दाग है तो सबको दिखाई नहीं जाते, उन्होंने पूछता स्किन की प्रॉब्लम, उसके लिए लिवर चेक कराओ, लिवर की वजह से होता है, लिवर गड़बड़ा उनके, OTPT गड़बड़ होता है अक्सर, या आपको स्किन पे दाग है हर एक को दिखा नहीं सकते, ऐसी जगह हो जहां उससे भी फर्क ना पड़े, इस पे क्लास की हमने, जजमेंटल ब्रेन, हम जजमेंट बहुत बनाते हैं,
ये अच्छा है ये गंदा है, लूप खुद क्रिएट कर रहे हैं। हमेशा अवेयर रहो, साला कोई लूप बन रखा है, कोई लूप बना रखा है हमने। जब ये रियलाइजेशन हो जाएगी, देखना जीवन में क्या शांति है, क्या मजा है। हमारी खोपड़ी इतनी पागल है, हम अपने आप भगवान का भी नास पीट के चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन नया आ गया सर, एंड करेंगे, नया तो अच्छा होता है। 65 इयर्स की है इनकी मदर, और इनके मदर के पैरों में दर्द रहता है, गिरती रहती हैं, और इनको समझना भी नहीं है, तो कुछ उपाय? किसको समझना है? मम्मी को? इनकी मदर को समझना नहीं है। 65 साल की मदर है, पैरों में चोट लगती है, गिरती रहती हैं, और उनको कुछ समझना भी नहीं है। तो इन्होंने खुद ही कह दिया समझना भी नहीं है। अब मैं अपने अंदाजे से कर रहा हूं, इन्हें शुगर होनी चाहिए, क्योंकि जो किसी की मानना सुनना नहीं चाहते, बुरा मानते हैं, उनको शुगर हो जाती है। आपको बुरी लगती है बात 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 पे, तो पैंक्रियास में ईगो होती है, आपको शुगर होती है, शुगर होने के संकेत है, पैर खराब होंगे। पहला पॉइंट, इनका आरबीसी ज्यादा है। एक तो आरबीसी बहुत ज्यादा है बॉडी में, यूजुअली बहुत दारू पीने वालों का आरबीसी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो टेंशन क्लेश करोगे, आरबीसी ज्यादा, वो पैरों में तकलीफ देगा, न्यूरो की प्रॉब्लम है इनको, पैर के तलवों में जान खत्म हो जाती है, पोलापन आ जाता है, और लगता नहीं कि पैरों में जान है तो चल पा रहे हैं। हर हालत में विटामिन डी ई चेक करके रखो, बी चेक करके रखो, सी मॉनिटर करो, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियां चेक करो, हड्डियों के अंदर जान नहीं है, बोन डेंसिटी डेक्सा टेस्ट होता है वो कराओ, आपके बोन्स की वीकनेस 100% श्योर शॉट बन रही है, जो पैर उठा नहीं पा रहे, और कॉन्शियस ब्रेन है, पैर गिर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, कॉन्शियस ब्रेन खराब है, कॉन्शियस ब्रेन खराब है, किसी की नहीं सुनती, किसी की नहीं मानती, तीनों तल इकट्ठा खराब होंगे, इसलिए कोई इलाज नहीं है इनका। इनको होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाओ, गुस्सा कम करने वाली मेडिसिन दिलाओ, अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, छोटा बताऊंगा नहीं कौन सी है, नेक्स्ट बॉम्बे का कहते हो नहीं 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 चोरी चोरी छुपा नहीं जी। अरे दोस्तों बताई नहीं, मैंने दवाई बताई सर, कौन सी वाली, उससे नहीं होता सर। जो लीवर से स्किन का इंफेक्शन होता है वो लीवर को ठीक कराओ, लीवर की गर्मी होती है, कई बार रिपोर्ट में भी नहीं आती। नहीं, जो बाय बर्थ जिनका लीवर वीक हो, हाँ तो उसके लिए भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट ही है। लीवर तो वापस खुद को 6 हफ्ते में नया बना लेता है, पर पॉइंट वही है, पितृ दोष लगा अगर तो उसके उपाय होंगे, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। नहीं तो सबसे पहली बात, लड़ना नहीं है, जो हो गया एक्सेप्ट। उनकी इंक्वायरी आप ही करते रहते हो, तभी बेचारा इंसान आज ऐसे हो गया है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत लीवर अप डाउन में क्या फर्क पड़ता है, चलती है जिंदगी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इतने लीवर से पूछिए, जैसे घर में रहते हैं बॉडी पेन वगैरह होती है, और कहीं बाहर जाते हैं तो 2-4 दिन के लिए तो ठीक हो जाती है। बहुत प्यारी बात है, घर आते ही वो फिर से शुरू हो जाती है, और गुस्सा भी बाहर जाके तो शांत हो जाता है। दोनों को धोऊंगा, दोनों धुलेंगे, ये दोनों धुलेंगे, ये धुलेंगे आज, आज बचेंगे नहीं, अपने पास जाएंगे। काम की वजह से होता होगा। नहीं नहीं, लेडीज का काम, ये जेंट्स है दोनों, लेडीज का ही है, अभी सेट कर पाएंगे। ये कह रहे हैं कि घर के अंदर होते हैं हमारे शरीर में दर्दें होती हैं, बाहर हम चले जाते हैं तो बहुत खुशहाल होते हैं, बाहर जाके ये एंजॉय करते हैं, घर में इन्हें मौत पड़ती है। सही बात है, क्योंकि कौन घर का काम, सही बात है, आगे नहीं करते, इन्हें मौत पड़ती है, इन्होंने बॉडी माइंड में एक लूप दे बना रखा है सबकॉन्शियस में, घर जाएंगे काम करना पड़ेगा, ना घूमने को ना पार्टी, सारी कौन मरे, बॉडी कहती है ठीक है, बीमार पड़ जाते हैं, घर में जाते दर्दें शुरू। सोचो कितना पावरफुल है ये लूप, काम से मौत नहीं आती सर, बोरियत बहुत होती है, घर जाके बोर हो जाएंगे। हाँ, सारे राज नहीं खोलने हैं, नहीं है, जैसे बॉडी पेन हो भी रहा है तो भी काम तो घर का करना ही करना। बेटा रो पिट के कर रहे हो तुम, तुम बॉडी पेन के बाद भी काम कर रहे हो, फिर तुम पता क्या नया लूप बना रहे हो, एहसान है मैं इतना काम करती हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, मैंने घर बना रखा है, संवार रखा है, फलाना कर रखा है। ये रो पिट के जितना कर रही हो ना, अपना भी नाश कर रही हो, बच्चे का भी, और पति का तो करीब होगी, पति का तो करीब हो चुका है। एक सताए हुए पति ने, हालांकि पत्नी के साथ है, बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है, कह रहा पति का हो चुका है, ये फैक्ट है, हो जाता है। स्त्री में जिसमें, जिस स्त्री में क्रोध आ गया उसका पति छूट जाएगा, या बीमार पड़ेगा, मर जाएगा, कुछ भी होएगा। उसमें क्या करें कि एक बंदा घर में लगाए कर रहा है, दूसरे आराम से चिल कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। एक बंदा सारा दिन काम कर रहा है, बंदा नहीं बंदी बोला है ना एक्चुअली, एक बंदी सारा दिन रात काम कर रही है और दूसरा बंदा चिल कर रहा है, वो आप ही के दम पे कर रहा है, आपने आदत बिगाड़ी है, पहली बात। दूसरी, ये आपको समय बता देगा, आपका पति अगर इस तरह से पालतू कुत्ता बना रखा है आपने, वो आपके सुख के लिए पता नहीं क्या क्या कर देगा, आपके सुख के लिए वो पॉकेट से बाहर जाकर लोन भी ले लेगा, और आपके सुख के लिए वो दिन रात ऊपर नीचे एक दो कर देगा, आपको पता नहीं है। कोई मेहनत अनपेड नहीं जाती,
अगर पत्नी कितनी डेडिकेशन और पति को याशी करा रही है वो उसको सुख देगा, मतलब और ये गलत फहमी में अगर बिगाड़ दिया है, बिगाड़ दिया है तो फिर आप लाचार हो, आप कुड़ती हो, बिना जिस पति से आपने, जिस पुरुष से आपने लड़ाई नहीं की वो आपकी जेब में, कुत्ते से लड़ाई नहीं जा सकता, एनिमल है उसमें, मतलब एनिमल है ना, एनिमल नहीं मैनिमल, कई किस्म के मल है उसके अंदर, पुरुष है ना वो, कलेशी है, उल्टा उसके साथ आप क्रोधी बनना सीख गए आपका जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी पुरुष बनना, आदत ऐसी पड़ जाती कि एक बंदे को एक ओसीडी प्रॉब्लम है कि ये चीज ऐसे अरेंज होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, घर में बाकी सारे मतलब घमासान इधर उधर, उनको दिखाओ ओसीडी क्लास दिखाओ, इधर लाओ उनकी भी ठुकाई करेंगे, फैला के रखो खूब गंद मचाओ, मेरे मैं बात बताया था, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हम यहाँ क्लास करते हैं, बड़ा छोटा एग्जाम्पल, निखिल ने कुछ किया, मैंने बोला अरे ये ऐसे क्यों कर रहे हो, फिर मैं कहता हूँ करते रहना मेरे को बोलने देना, इसको समझो ध्यान से, सत्यवान इतनी अपॉइंटमेंट क्यों रख दी, अच्छा करते रहना रखते रहना, क्योंकि मेरे अंदर का नेचुरल इंस्टिंक्ट कह रहा है कि बोल दे, लेकिन मैं जानता हूँ अगले ने जो किया ठीक ही किया करने दो, तो मैं दोनों बातें इकट्ठा रखता हूँ, मैं बोल भी देता हूँ, खुद को भी फ्री कर दिया, दूसरे को भी फ्री कर दिया, करते रहो यार तुम, मेरा बोलना चलता रहेगा, इसलिए जो फेंक दिया रख दिया बोलने दो, उससे बुरा नहीं मानना, एक्सेप्ट करो, अभी तो क्लास में कहा है एक्सेप्ट करो ना जिंदगी, मुन्ना की एक चीज एक्सेप्ट करोगे मुन्ना आपके मन की पूरी करा देगा, एक जुरा पंखे पर रहना टांगा करो, ठीक हो गया जी, हाँ सर मतलब क्वेश्चंस और आ रहे, बताओ बताओ, बोल तो, बोल तो कर देते हैं फिनिश, एक सर यंत्र मंत्र तंत्र पे पहले भी क्लास में उन्होंने पूछा था, गलत पूछा था मुझे आता ही नहीं, कि ये कैसे होता है मुन्ना क्या रिलेशन बनाता है यंत्र मंत्र और तंत्र का, और एक पंडित मंत्र जाप करते हैं तो यजमान को फल कैसे मिल जाता है, उस उनके कर्म जाप करने से यजमान को कैसे उस चीज का बेनिफिट हुआ, जैसे कि कोई बर्गर मंगा ले खा हमने बचोगे नहीं मैं छोड़ूंगा हमारा लास्ट टॉपिक ले रहे हैं आज का, जो प्रश्नों में आया था कि टोना टोटका किया कराया होता है, ओपरा करते हैं, हमारे घर में चलते चलते एसी खराब हो जाता है जी, हमारे यहाँ तीन बार देखा गया पानी कहीं गिरा हुआ मिला, हमारे कपड़े कहीं कट जाते हैं फट जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कैसे होता है, कई किस्म की बातें ऐसी आ जाती है, खड़े खड़े गाड़ी पे कोई टक्कर मार गया, फिर ऐसा हो गया यार किया कराया लिखते हैं हम, किया कराया अरे मौसी है वो मांगे राम की, वो करती है देखा हमने, जाती है वो बंगाली बाबा के पास, सर ये वहम भी तो हो सकता है, ये वहम ही है और ये वहम ही मैनिफेस्ट हो जाता है, हमारे अंदर जो खोपड़ी में चला वो मैनिफेस्ट होता है, इसलिए किया कराया भी हम खुद ही करवा देते हैं, याद रखें जैसे आपके घर के अंदर आपका एसी खराब हो गया, आपके एसी की खराबी क्यों हो रही है, फ्रिज खराब हो गया, बिजली का सामान खराब हो रहा है, यार बिजली का सामान खराब हो रहा भाई है, 5,000 लग गया यार, 10,000 लग गया यार, टीवी खराब हो गया, बड़ी कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की, आपने अपनी ऑरा खराब की है, घर के पुरुष से बिजली का सामान खराब होता है, उदाहरण दे रहे हैं हम, दो चार खत्म कर देंगे बहुत लंबा नहीं लेंगे, उस ऑरा की बलि लेनी थी ग्रह ने आपके माथे को फाड़ के, चाहे ब्रेन हेमरेज कराए, क्योंकि बिजली है ना हमारे अंदर, बिजली का नाभि है और पूरे शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई है, तो या तो आपको ब्लड की प्रॉब्लम आएगी या आपके खोपड़ी खराब होगी या नाभि पे खराबी होगी, अब वो आपकी नहीं हुई है तो ग्रह क्या कर रहा है, सबसे पहले आकर के वो कह रहा है मैं अटैक मारूंगा, ऊर्जा नेगेटिव हुई उसने बिजली का सामान खराब कर दिया, स्वागत कर लो शुक्र है, आप कहते हो झल्ला रहे क्या साला फिर खराब होगा ये खराब होगा, वो मौसी ने कुछ किया था भाई साहब, वो आए थे वो कुत्ते को सिंदूर का लड्डू खिला रहे थे कुछ कर रहे थे, उन्होंने सड़क के ऊपर पापड़ फेंक के चले गए, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप, आपकी बॉडी पे आ जाएगा, उस ऊर्जा ने हिट करना है कहीं ना कहीं, एसी तो खराब हो ही गया वो तो भूल जाओ, वो तो हो चुका, ऊर्जा फिट मारी है, जैसे थैंक्स करोगे ये बच जाएगा, आपके कपड़े कट गए, आपका कोई शीशा कांच टूट गया, लकड़ी खराब हो गई घर की, सूर्य के दोष से होता है लकड़ी खराब होना, उसको इमीडिएटली घर से निकालो, ग्रह ने अभी भी बलि ली है, पहले आते ही आपके घर के बाहर पहले दरवाजे पर थप थप करी बंदे ने जोर से मारा आपको मारने से पहले, फिर वो हॉकी घुमाई उसने दीवार पर मारा, फिर जमीन पर, फिर आपको मारेगा, आप जहां एक्सेप्ट कर लोगे ना ठीक है भाई गलती हो गई हमारी गलती, वो वहां मार मूर के चला जाएगा, आप अगर कहोगे नहीं ये हॉकी क्यों मारी वहां क्यों मारी वो आपको ऊपर मारेगा, इसलिए आपका कोई सा भी नुकसान हो रहा है गाड़ी पे आया है समझ लो आपकी बॉडी बच गई है, आपकी बॉडी बची रहेगी, आपके पैसे पे आ गया है मेरे 2,00,000 रुपए निकल गए भाई, भाई बहुत अच्छा हुआ यार तेरी बॉडी बची हुई है, ये 2,00,000 तो ये डॉक्टर को देने पड़ते, वकील को देने पड़ते,
बॉडी पे आता तो डॉक्टर लेता, माइंड पे आता तो वकील लेता। तो जो आपको बलि पड़ी है इसे बलि कहते हैं, ये किया कराए से बलि होती है, कुछ बलि देनी पड़ी है उसे एक्सेप्ट कर लो। हमसे एक्सेप्ट नहीं होता, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं होता। हमारे अपने भाई ने हमें ठग लिया, उसे बताओ, ठोको, सेट करो, पर एक्सेप्ट करो कि हमारी मूर्खता थी, हमारा भाई बहुत ठग है, बहुत ठग है, तुम बेवकूफ हो, तुम समझदार क्यों नहीं बने। कोई बात नहीं, अब खुद को भी गाली नहीं बकनी, अब सीखेंगे, आज के बाद टाइट करेंगे और धोखे सेट करेंगे उसे। आपके जीवन में जो भी किया कराया है ये एक नेगेटिव ऊर्जा है, ये किया कराया काम करता है लेकिन ये बलि लेता है कुछ ना कुछ। ऐसे किए कराए के वहम में ना पड़े, कई बार बात हो चुकी, ऐसा होता तो इंडी गठबंधन वाले मोदी जी के ऊपर किया करा करा देते और मोदी जी को इलेक्शन वैसे हार जाते हो। ऐसा नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा काम करती है। इसलिए आपके घर के अंदर कोई चीज खराब हुई है आपकी मूर्खता से हुई है, आपकी गलती से हुई है। बहुत आवश्यक है हमें जागरूक होना अपने वास्तु के ज्ञान के प्रति, अपने जीवन के ज्ञान के प्रति, कॉस्मोस काम कैसे करता है, हमारे साथ उसकी इंटरेक्शन क्या होती है, मैनिफेस्टेशन हम कैसे कर सकते हैं आपका जीवन सुखद होगा। यही सनातन धर्म में हमारे बहुत बड़ा विकास है और हो भी रहा है और होगा भी, कि हम एक एक व्यक्ति अवगत हो, थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र पता हो, थोड़ा शारीरिक शास्त्र पता हो, शरीर, आयुर्वेद, योगा, इतनी फील्ड्स हैं हमारे, ये हम करते नहीं और हम क्या बन गए, आलसी। कल्चर इतना खराब हो गया, मेरी बर्गर की बात छोड़ के, कल्चर इतना खराब हो गया है, वेस्टर्नाइज हो चुके हैं हम बुरी तरह। भाई थोड़ी सी त्रुटि तो हम में भी हो ही रख लूंगा, प्लीज फ्री का मिल रहा है, नहीं तो मैं नहीं खाता है बर्गर सर का। इसलिए अपने जीवन को एक्सेप्ट करो और जितना ज्ञान ले सकते हो, ज्ञान लेने में कंजूसी मत करो, ये शिक्षा ही आपके जीवन को सफल करेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी जैसा एक बहुत बड़ा अवतार हमें मिला है, देवता है ये आदमी, आदमी नहीं है ये, जिसने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन ले आई है, सोचो क्या ब्रेन होगा, ब्रेन स्टडी करने वाला है। एनीवे, अंतिम बातें, बहुत कृपा आप सबकी, बहुत समय दिया आपने, आप सबको भी प्रणाम, जुड़े हुए लोगों को। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमन। ग्रेट। अच्छा है जी, बचा दे, जो बचा कॉन्शियस ब्रेन डिस्टर्ब होता है ना, पैर चूस ना मेरे, अब तो अच्छे बुला लो, छुवा दूंगा पैर का। हाँ ठीक है, मेरे से इंप्रेशन है वाला कि तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे होते, मेरा घमंड बढ़ता है उससे। मामा जी थैंक यू, आए इतने दिनों में तो फिर पैर पर तो पकड़ के जाओ यार, बच्चे सेट कर लो ना, बच्चा मेरा क्या सेट होगा ये। आनंद करो, आनंद करो, सब बढ़िया है, खुश रहो। और है क्या मौज के अलावा, कुछ है भी नहीं, एक बाबे की फौज बाकी मौज। आओ जी बाल गोपाल, नन्ने मुन्ने, कांचे छू, अरे अच्छा हो गया, लेट हो गया, आ जा कर, लेट अलाउड है तुझे, मुझे लेट आने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं।
उसके साथ और एक्सचेंज करना कठिन है क्योंकि वो जीवित है। मकान चीज है उसके साथ बहुत बिजी है ये, बाकी किसी के साथ बहुत कम है, इसलिए एक नंबर का दूसरे का ही अपना चलता है ना कई बार। सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जिस चक्कर में हैं और वो किस चक्कर में है, बाकी उसकी मर्जी। परमात्मा कैसे भी कृपा कर सकता है। ठीक है, ठीक ठीक ओके। अच्छा नमस्कार, नमस्कार, लव यू जी, लव यू बेटा, शिवाय लव यू, कुछ भी नहीं है बेटा, लव यू बच्चा, खुश रहो बेटा। थैंक यू सो मच। आपका नुकसान थोड़ी, अभी तो बर्गर हुई है। कौन से बर्गर है? नहीं है, नहीं है कौशल जी, नहीं है, झूठ है ये, मोम आया है सब। अच्छा आपको यही खड़े होना है, कौशल जी किन चक्र में लगे? तो घर जाना पड़ेगा। अरे देखो तो इनके देखो यार, कोई सत्संग बताओ बढ़िया सा, बर्गर में घुस गए तो कैसे करेंगे यार, यार कैसे भूलेंगे कौशल जी की स्मृति इतनी तेज क्यों आई है।